I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. हमारा ये शहर जो धीरे धीरे कंक्रीट में तब्दील होता जा रहा है, यहाँ की आबादी करोड़ों में है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक हादसा होने वाला है। वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग के ऊपर इस बड़े पत्थर को रखना है जिसे क्रेन से उठाया जा रहा है, लेकिन पत्थर का वजन सहन न करने की वजह से कुछ तार टूट जाते हैं और क्रेन जाम हो जाती है। दो तार ही बैलेंस बचे हैं सर। किसी भी समय बचे हुए तार टूट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो 80 टन वजन वाला ये पत्थर सीधा नीचे आ गिरेगा और एक भूकंप ला देगा। अगर ये नीचे गिरा तो यहां फंसी ये लड़की मर सकती है, और ये बात कोई नहीं जानता। इसी शहर के दूसरे कोने में मौजूद ये कॉरपोरेशन ऑफिस, यहाँ भी एक हादसा होने वाला है। पाकिस्तान से आया एक आतंकवादी यहाँ बम रखने वाला है। उसने ये ऑफिस इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ के स्टाफ की संख्या करीब 2400 है। अगर बेसमेंट पार्किंग में बम फटा तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी, और उसकी वजह है ये इंसान जिसकी कार में ये बम लगा हुआ है। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बम जो आर्मी यूज करती है, दिखने में छोटा पर फटा तो हजारों को ले मरेगा। क्या इन दोनों हादसों से इस शहर में तबाही आएगी, या फिर इन्हें टाला जा सकता है? देखते हैं। में चीनी कम है, पी लीजिए। बोलिए चाचा। दो दिन से मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा, जरा ठीक कर देना भाई। हाँ भाई ठीक कर दो, लेकिन पहले चाय में चीनी तो डाला करो। पैसा बराबर चाहिए, पर चाय में चीनी नहीं पड़ेगी। पानी में तो नहीं गिरा ना? नहीं पानी में तो नहीं गिरा। इसके पास टीवी, रेडियो, स्पीकर ऐसा कुछ तो नहीं रखा था ना? हाँ स्पीकर था। हाँ, उसी स्पीकर के मैग्नेट की वजह से खराब हो गया। अरे चाचा इसमें तो एक ही सिम लगा हुआ है। मेरा एक ही में काम चल जाता है। अब ऑन करके देखिए। आ यार ये तो चलने लगा। चलता हूँ। अरे रुको नकुल, चाय पिलाता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं रहने दीजिए। मैं तुम्हारा होमवर्क कर रही हूँ, तुम खेल रही हो। दादी देखो कौन आ रहा है, जाने के लिए रास्ता दो ना दादी। ये भी ना, देखो ना दादी, ये सही से नहीं चल रहा। दिखाओ, सही तो है। ये कैमरे का तार है, ये एंटी ब्रेकर सिस्टम का तार लूज है, इसलिए ये सही नहीं चल रहा था। माँ वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, स्टेयर एंगल सिस्टम लगा हुआ है। बदल दिया और मुझे बताया भी नहीं। ये लो, सही हो गया श्रुति, अब चलेगा। ले जाओ खेलो, संभाल के खेलना, इसे तोड़ना नहीं। थैंक यू दादी। नकुल तू दो दिन से नौकरी पे नहीं गया? वो ना बोर हो गया था भैया। बोर? रोज रोज मीटिंग के नाम पर एक ही बात बोल बोल कर बोर कर दिया था उन लोगों ने। ओए तुझमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? क्यों पागलों जैसी बात कर रहा है? मैंने हाथ पैर जोड़कर तेरी नौकरी लगवाई थी, तुझे तो ना। नकुल, नकुल, जानकी जरा यहाँ आओ। अभी आई माँ जी। बोलिए आंटी। ये FM ठीक से काम नहीं कर रहा है, जरा देखना तो क्या प्रॉब्लम है। वो अंकल नहीं है क्या, वो सही कर देते। अरे नहीं ना, उन्हें सिर्फ गाना सुनना आता है, कुछ ठीक करना नहीं आता। जरा वो आलू मुझे दो। हाँ माँ जी, मैं 1 किलो आलू लाई थी, इसमें तो बस 2 ही है। वो ना बार बार मुझे टाइम देखने के लिए हॉल में जाना पड़ता है ना। हाँ। इसलिए मैंने आलू से ही घड़ी बना दी। आलू से? हाँ।
आलू से ये घड़ी, ये आलू और ये मेटल स्ट्रिप बैटरी का काम करती है। और जब आलू मैग्नेटिक केमिकल में बदलता है ना, तो इस मेटल स्ट्रिप में केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिजिक्स के अनुसार समझ नहीं आएगा, इसलिए प्लीज ठीक है, ठीक है, कुकर खोलो। मुख्य समाचार, इंडिया के कुछ महानगरों में मोबाइल काम करना बंद कर देगा। और मोबाइल के बारे में क्या कह रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ी सोलर लेयर जमीन पर पड़ने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज की तेज किरणों कुछ नहीं, कारण किसी टाइम सूर्य की तेज किरणों की वजह से कुछ समय के लिए मोबाइल काम नहीं करेगा। वही बता रही थी। ओ, वो सब छोड़ो, इसे हटाओ ना और कोई अच्छा सा गाना लगाओ इसमें। ट्यून सेट कर दिया, अब सही है ये। कभी फ्री रहो तो एफएम सुनने घर आ जाना। हाँ कोई बात नहीं आंटी, मेरे मोबाइल पे एफएम है। एडवांस दे रहा था लेकिन यहाँ है ही नहीं, कहीं तूने तो हाथ नहीं मारा ना? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। क्लाइंट का फोन आ गया। हेलो मोहित। हाँ बोलिए ना सर। मुझे ट्रिपल बेडरूम फ्लैट चाहिए। ट्रिपल बेडरूम फ्लैट मिलेगा सर, लेकिन थोड़ा बड़ा चाहिए। मिल जाएगा सर, 1450 square feet एरिया में मिल जाएगा। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल अपार्टमेंट है सर। राइट साइड में आप जहाज को उड़ते देख सकते हो और थोड़ा लेफ्ट में देखोगे तो रेस देख सकते हैं सर। सर रात में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चांद तारों के बीच सो रहे हो। बहुत अच्छा है सर। तो मैं अभी आपको पूछ कर बताता हूँ कि वहाँ पर जगह खाली है या नहीं। वन सेकंड ना सर, फॉर वन सेकंड होल्ड। गौरव, जयनगर में अपने अपार्टमेंट में एक ट्रिपल बेडरूम फ्लैट मिलेगा क्या? सारे फ्लैट अवेलेबल है, एक भी सेल नहीं हुआ। चुप, तू भी ना। सर क्या हुआ? सॉरी सर, एक ही फ्लैट था लेकिन वो भी अभी जस्ट बिक गया। तो ठीक है, रहने दो, फिर कभी देखेंगे। अरे सर पार्टी ने अब तक कोई एडवांस नहीं दिया है, आप बोलो तो मैं फाइनल कर देता हूँ। तो कर दो। आप तैयार है? ओके फिर तो कोई बात नहीं। सर आप एडवांस तैयार रखिए, मैं सीधे आपके पास ही आता हूँ। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चल 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 उधर मत देख। हेलो, हाँ मंत्री जी की वाइफ ना? इधर आना, मंत्री से ही बात करता रहता है, उल्लू बना रहा है। फरवरी में कनेक्शन के लिए बोला था ना, अभी तक नहीं हुआ। सर वो इलेक्ट्रिशियन को बोल दिया है, आज कर देंगे सर। जब से हम रहने आए हैं तब से यही सुन रहा हूँ मैं, लगता है मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे बस एक दिन का वक्त दीजिए। किसी का काम तो करता नहीं है, दिन भर चश्मा लगा के घूमता है। चलो आओ। तो क्या सोते वक्त चश्मा लगाऊं? कौन है? जान पहचान वाली है क्या? मैं पूछ रहा हूँ भाई, जान पहचान वाली है क्या? पहचान वाली नहीं है, पहचान बनानी है। अरे गौरव, इसे देखकर मुझे हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आती है, हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी ना। लेकिन मुझे तो भाई बहन वाली फीलिंग लग रही है भाई। क्या बोला? अपने लिए बोला, बहन मेरे लिए, आपके लिए नहीं। बेटा तेरी सैलरी कितनी है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, कुछ मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होती। चल मार। आपको कैसे मारूं, वो भी बीच सड़क पे। अबे मुझे नहीं, गाड़ी को किक मार। सॉरी सर। तुम टेंथ में फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, स्कूल में फेल होने वाले लोगों ने भी काफी महान काम किए हैं, उनके बारे में पढ़ो और उनसे सीखो। बी कॉन्फिडेंट। आप मुझे अपनी बहन की तरह समझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, जिस चीज को हम मना करते हैं उन्हें वही चीज करनी होती है। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो उसके लिए उंगली काटना कहाँ की समझदारी है। आपको कुछ हो जाता तो आपके बच्चों की देखभाल कौन करता? अगर किसी परिवार में पिता की मौत हो जाए तो समस्याएं आती हैं। अगर माँ की मौत हो जाए तो परिवार बिखर जाता है। आप अपना फोन नंबर मुझे दीजिए, डेली इवनिंग में आपसे बात करूंगी। अगर आपका मुझसे बात करने का कभी भी मन हुआ तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। आप अपना नंबर दीजिए। वेरी गुड, अब आप लोग कल फिर से आना तो अंकल, मैं आपको। मैं चलती हूँ, ऑडिटिंग का काम पड़ा है, जल्दी जाना है। बाय अंकल। बाय बेटा। कोई काम हो तो फोन कीजिएगा। नहीं दोस्त, जहाँ पर भी लड़की देखने जाता हूँ समय सही नहीं है, मांगलिक है, कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती है। अरे क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। अरे तुझे तो हमेशा मजाक सूझता है। अरे तू हंस मत, फोन रख। बेटी जो अभी कॉल टैक्सी लेकर ड्राइवर आ रहा है वही कल तुम्हें देखने आएगा, मैंने सोचा कि हम एक बार उससे पहले ही मिल लेते। ये सही नहीं है पापा। बस तुम शांत रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। चलो आ। एक मिनट रुको रुको, तुम्हें कॉल मैंने ही किया था, ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े इसलिए हम यहाँ आ गए। अरे सर सब मेहनत आप ही करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, आप अंदर आ जाइए। बेटी तुम पीछे बैठो। चलो बेटे। सर आपकी पोती है क्या? गाड़ी चलाते समय रोड पर ध्यान रखो। वैसे बेटे तुम कर क्या रहे हो? दूसरा गियर डाल रहा हूँ।
इस गाड़ी के मालिक तुम ही हो? मालिक की तरह हूँ। मालिक की तरह मतलब? चाचा जी की है। अभी 2 महीने की किश्त ड्यू है ना? ओहो। उसके बाद मेरी हो जाएगी। ये गवर्नमेंट ड्यूटी का बोर्ड क्यों? कुछ दिनों तक कलेक्टर था। मजाकिया किस्म का लगता है। अरे सर, पुलिस वाले परेशान ना करें इसलिए रखा है। इतने सवाल पूछ रहे हो, टीचर हो क्या? मैं लिफ्ट क्रेन इंचार्ज हूँ। तुम्हारी बीवी क्या करती है? क्या सर, उसी की तलाश में लगा हूँ। तो अभी तक कुंवारे हो? विश्वास नहीं होता कि कुंवारे हो। विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें कोई सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? सर आज की डेट में लड़की कौन देता है? सरकारी नौकरी चाहिए, घर होना चाहिए। ओ 10 तरह की बातें करते हैं। बाप तो बंदर की तरह होते हैं, उनकी बेटी रानी की जैसी होती है। पूछने पर बाप कहता है मेरी बेटी है, बाद में पता चलता है बेटी किसी और की है। अपना घर है तुम्हारा? है ना, मकान मालिक का। सर खुद की गाड़ी नहीं है, मकान कहाँ से होगा? लड़की के बाप को ही पटाना पड़ेगा। अच्छा तो ये शौक भी है। ये बताओ पीते भी हो क्या? चाहिए क्या? पीछे डिग्गी में है। अरे रात को 10 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती है, इसलिए पहले से खरीद कर स्टॉक में रख लेता हूँ। सुनो बेटा, गाड़ी जरा साइड में लगाना। तो यहीं पर पैक बनाओगे क्या? गिलास तो 2 ही है पर यहाँ पर तो 3 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, गाड़ी जरा साइड में लगाओ। ये तुम्हारी कुंडली है, मेरी बेटी के लिए आई थी। तुम्हारी कुंडली में दोष है, देखता हूँ कैसे दूर किया जाए। अब अगर तुमसे शादी हुई तो बेटी की कुंडली में दोष आ जाएगा, इसीलिए मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर आया था। हमने सोचा पहले बाप बेटी तुमसे मिल लेते हैं। वो बात क्या है? फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। चलो उतरो बेटी। ओके पापा। सर सर सर, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या करूं? लगता है मेरी कुंडली में ही दोष है। दोष तुम्हारी कुंडली में नहीं है, तुम्हारी जुबान में लफंगे कहते। चल बेटी। सर ये भी गई। कॉल ट्रैक कर सकता हूँ, किस एरिया में? पैसे मिल जाएंगे ना? मिस कॉल दिया है, वो कॉल नहीं कर रहा। हेलो, हम आ गए हैं। हम आ गए मतलब? दामिनी और लावण्या जूनियर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टाटापुर से। ओ आ गए हो, वेट कीजिए मैं आता हूँ। हाँ सॉरी यार, बोलो। दामिनी मैं गाड़ी लॉक करके आती हूँ। हाँ पता नहीं कैसे पास होगी, उनमें से एक का फोन आया था। सुनिए ये नकुल कहाँ रहता है? ये यहाँ से ऊपर जाके। बच्चों जैसी आवाज थी उसकी। देखते हैं दिखने में कैसी होगी। आवाज से तो लगता है कि जैसी आवाज वैसी होगी वो। पता नहीं कौन मेरा नंबर दे देता है इन लोग को। चल कोई नहीं, बाद में फोन करता हूँ। लावण्या। दामिनी। हाय मैं लावण्या, ये दामिनी। इसने प्रोजेक्ट दिया था, वो रेडी है? ये लीजिए। ये कैसा प्रोजेक्ट है? उसमें लिखा है ना, पढ़ लीजिए। आप लोग पैसे तो ले आए ना? काम है मुझे इसलिए मांग रहा हूँ। कितने हुए? 2500। ए, इसे कुछ कम करने के लिए बोलना। क्या हुआ, कम ही तो बोला है, और इससे कम क्या करूँ? सारी चिल्ले। ये मेरी पूरी पॉकेट मनी है। सही है ना? चाहो तो गिनकर देख सकते हो। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। और कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा तो बताना। वैसे आप ये काम पार्ट टाइम करते हो? यही मेरा फुल टाइम काम है। कितना पकाती हैं ये लड़कियाँ। ओ मिस्टर, एक मिनट, मैंने सब सुन लिया है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे? कमाल है, हमसे ही बोल रहा था कि लड़कियाँ पकाती है। अपना चेहरा देखा है चिंपैंसी कहीं का? कैसी बाइक है, मेंढक के चेहरे की तरह। हाँ हाय डी, व्हाई लेट? प्रोजेक्ट लाने में देरी हो गई। प्रोजेक्ट लाने में? आई मीन प्रोजेक्ट लिखने में देरी हो गई। ओके। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है वैसे? ये बॉम्ब की लोकेशन को ढूंढता है। बॉम्ब कितनी दूरी पे है, कितने देर में ब्लास्ट होगा, कितना पावरफुल है, ये सारी डिटेल्स इसमें शो करता है। इसकी वजह से बिना कुत्तों की मदद लिए हम बॉम्ब को ढूंढ सकते हैं। क्या इसमें इसकी डिटेल भी है कि तुम कब फूटोगे? किसे समझा रहा हूं? यस सर। दामिनी एक बार पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल के पूछने पर बता सकेंगे। ये क्या हो रहा है? लिखे हुए अक्षर अपने आप मिट रहे हैं। ए सुनना, इसमें देखना, अक्षर अपने आप मिट रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे? देखना सब मिट गया। ये क्या हो रहा है? देखना पूरी फाइल ब्लैंक हो गई। अपने आप अक्षर मिट रहे हैं। मेरे 1500 रुपए बेकार हो गए, अब मैं क्या करूं? तूने उसे 1500 ही दिए थे? पैसे कम दिए इसलिए उसने ऐसा तो नहीं किया। अब अंदर जाके मैं क्या दिखाऊंगी? ओहो, प्रिंसिपल भी बुला रहे हैं। जा जाकर संभाल। तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? कम फास्ट। स्टार्टिंग में 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ा है क्या? क्या है ये? प्रोजेक्ट है। पर है कहाँ? अब तक तो इसी में था। इसी में था तो कहाँ चला गया? अपने आप मिट गया हस्सा। इडियट, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? फाइनल ईयर में आने वाली हो तुम, पता नहीं मुझे इन साइंटिस्ट की तरह कभी कोई बुद्धिमान स्टूडेंट मिलेगा या नहीं। मेरी बात सुनो, अभी तुम सीधे घर जाओ, वहाँ तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुम्हारे लिए कोई न कोई लड़का देखा होगा, उससे तुम शादी कर लो, समझ गई? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ये लो और जाओ यहाँ से। गेट आउट। नेक्स्ट। क्या हुआ? उसने हमें पागल बनाया है, देखा कितनी डांट पड़ी मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो तो गया। मुझे जाने दो सर, मुझे मरना है, मरना है, मरना है। मेरी लाइफ का पहला प्यार वो भी अधूरा रह गया, अब किसके लिए जिंदा रहूं? बेटा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वीर सिंह। वीर सिंह, तुम्हारे नाम में ही वीर लिखा हुआ है, वीर जैसा नाम रख के तुम कायरों की तरह मरने क्यों जा रहे हो, ये बताओ। अच्छा, मरना कायरता है? किसने कहा? एक बार जान देकर देखो, मरना कितना मुश्किल है। मौत से तो पूरी दुनिया डरती है और मुझे कायर बोलते हो, इसीलिए तो बुड्ढों से बात करना बेकार है। जवान लोग ही मेरे दुख को समझ सकते हैं। मैं चलता हूँ सर। बेटा रुको, तुम किसी जवान से बात करना चाहते हो ना? मैं बात करवाता हूँ तुम्हारी, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। हाँ, तुम उस अकाउंट की पूरी डिटेल मुझे। आपसे मिलने कोई आया है, राजीव सर ने भेजा है। ओ, वो आ गए क्या? हाँ जी। उन्हें 2 मिनट बैठने को कहिए, मैं अभी आती हूँ। ओके मैडम। एग्जैक्टली सर, आपके काम को लेकर ही तो बैंक में आया हूँ। क्या कहा? फ्लैट नहीं चाहिए? सर 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 सर, सर, सर क्या कहा? अब क्या करूँ, क्यों मना कर दिया इसने, इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा यार। क्या करूं? अरे मर जा, क्या कर रहा है? मर जा, एक क्लाइंट को भी नहीं पटा सकता, मर जा। अब इतनी जल्दी दूसरा क्लाइंट भी कहाँ मिलेगा? मेरा नाम माधवी है। और मेरा नाम मोहित है। ऐसा फैसला क्यों लिया? घर वालों का ही फैसला है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बात तो अच्छे से कर रहे हो, आई लाइक इट। थैंक्स। ये क्या देख रही है? कितनी शार्प है। कहीं ज्यादा गुस्सा आ गया तो इसी से कहीं तुम अपनी जान लेने की कोशिश ना करो। ये तो बहुत समझदार है। अब ठीक है। हमें यहाँ बात करता हुआ देखकर शायद सबको प्रॉब्लम हो रही है, हम कहीं और चलकर बात करें। ओके, कहीं भी चलो। बोलिए, आपके मन में जो भी है मुझे खुलकर बताइए। पहला प्यार है? जी बिल्कुल। माधवी, इस अकाउंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जरा देख लो। ये अप्रैल का अकाउंट है, मैं आकर देखती हूँ। ओके। बोलिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। अरे वेलकम। कितने डिसेंट तरीके से बात कर रहे हैं आप। इतनी बड़ी शेव आप पर अच्छी नहीं लगती। कम कर दूंगा। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। आज ही कम कर दूंगा। मैं आपकी शेव की बात नहीं कर रही, आपकी लवर की बात कर रही हूँ। माधवी। हाँ। मई मंथ के अकाउंट में भी इंटरेस्ट कम है। सिर्फ 2% कम है, मैं आकर देखती हूँ ना। आप कहाँ तक पढ़े हैं? डिप्लोमा किया है मैंने। नाइस। और जॉब? अजय कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। ओह, चश्मा बेचते हैं। फ्लैट सेल करता हूँ।
सॉरी अच्छी नौकरी है, सैलरी भी अच्छी होगी, जेंटलमैन हैं आप, कोई लड़की इससे ज्यादा क्या चाहेगी? सही कहा, exactly. आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और जब भी मुझसे बात करने का मन करे मुझे एक मिस कॉल दे दीजिएगा. हाँ, बिल्कुल. नंबर? ओके, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ. हाँ. आप ऐसा कीजिएगा, कल लंच टाइम पर आइएगा, आराम से बात करेंगे. ओके ना? एग्जैक्टली. आप कैसा फील हो रहा है? मन तो कर रहा है कि जान दे दूं. कहा ना, ऐसी बातें नहीं करते. हाँ. अब घर जाकर आराम से सो जाइए, किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो तो मुझे फोन कीजिएगा. मुझसे बात करके शायद आपको अच्छा लगे. ठीक है ना, अब मैं चलती हूँ. आंध्रा में प्लान के हिसाब से काम खत्म हो गया है. नेक्स्ट प्लान चेन्नई, वड़क्कम चेन्नई. हॉलिडे का अक्षय, सुल्तान का सलमान और ये कुचादे का लुक. हेलो. हेलो, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ. महालक्ष्मी? कौन महालक्ष्मी? मैं अपने पापा के साथ आपके कार में आई थी, कुंडली की बात हुई थी. वो बंदर वाली शक्ल का? नहीं, मैंने कहा मतलब आप कैसी हैं? उस दिन बाप बेटी दोनों मुझसे बिना बताए मिलने चले आए तो मैं क्या करता? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आप कार में पापा को बता रहे थे ना. सॉरी, उस दिन अनजाने में मैंने आपको और आपके पिताजी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया. अरे कोई बात नहीं, आपसे मिलके अच्छा लगा इसलिए फोन कर लिया मैंने. क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हल्की सी लग गई. ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं टेबलेट लेकर आऊँ क्या? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है. अब मैं फोन रखूं? इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बात शुरू की है. और अभी ज्यादा बातें करनी है तो शाम को मिलते हैं. शाम को मिलोगी? कब, कहाँ पर, कितने बजे? मेरे बॉस देख रहे हैं, मैं फोन रखती हूँ. हेलो. ये मालिक भी बीच में आ जाते हैं, हमें भी लड़की लाइन मारती है. इस नंबर पर उसका बाप तो नहीं है ना? हाँ शिवा सर, बोलिए सर. क्या हुआ सर? ये कैसी गाड़ी है? ये तो सर्कस में चलाने वाली गाड़ी लगती है. सॉरी सर, सॉरी सर, कार्तिक के घर के पास. अरे वो तो पूरा का पूरा पागल था. हाँ अच्छा, आप पीछे वहाँ खड़े हैं सर, उस दुकान के पास खड़े हैं. हाँ हाँ ठीक है सर, समझ गया सर. अच्छा ठीक है सर, मैं आता हूँ सर अभी. और क्या पूछा उसने? आईजी से कंप्लेन करके. तुम्हारे चाचा आईजी हैं बोला था ना, अब क्या हो गया? अरे वो टच वाला मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? हेलो, बोलिए सर. आप जिसे बात कर रहे हैं वो मेरा मोबाइल है. तो फिर आप जिसे बात कर रहे हैं वो भी मेरा ही है. वो मुझे दे दो. अरे भाई, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है. मैं जिस फोन से बात कर रहा हूँ तुम वही मांग रहे हो. मैं ये फोन तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? फोन रखो, दोबारा मत मांगना, समझ गए? हेलो चोर सर. अरे फोन से मेरी रोजी रोटी चलती है सर, मुझे इसी फोन से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है? लड़की सप्लाई करते हो क्या? हेलो, कॉल टैक्सी चलाता हूँ, टी नगर में सवारी पिक करनी है, उसका नंबर दे दो तो भला होगा. यानी शरीफ आदमी हो. थैंक यू सर. कहाँ लेने आऊँ? थैंक्स क्यों, मोबाइल नहीं दूंगा मैं. जिसे पिकअप करना है उसका नाम बताओ, मैं नंबर दे देता हूँ. हेलो बॉस. अगर गुस्सा आ गया ना तो फोन कट कर दूंगा. नहीं नहीं नहीं, काटा मत. बालकृष्ण, नहीं नहीं, टकला बालकृष्ण नाम से होगा. 9 8 9 8 4 1 4 1 9 2 5 9 2 5 1 6 1 6 4 4. ठीक है ना? हाँ, अपना नंबर भी बता दो. 9 6 2 9 6 2. हेलो हेलो, रखना मत. हेलो
आतंकवादी का लीडर गिरफ्तार हुआ। ये बच्चों की तरह क्यों पढ़ रहा है? आंध्र प्रदेश में दो जगह पर बम विस्फोट, चेन्नई में हाई अलर्ट, 11 मरे 25 घायल। मैंने कभी बम को फटते हुए नहीं देखा, मुझे भी बम को फटते हुए देखना है सर। मैंने सुना है सर बम फटता है तो तेज आवाज होती है, कार भी हवा में उड़ने लगती है। मुंबई में फटते हुए तो सुना है पर चेन्नई में नहीं, कभी चेन्नई में फटे तो मैं देखना चाहता हूँ सर। अरे रे रे। सुनिए सर, आपको अगर बम फटने की खबर मिले तो मिस कॉल कर देना सर, आ जाऊंगा सर। ए, मैं तुम्हें शक्ल से आतंकवादी दिखता हूँ क्या? यस सर, स्लीपर सेल जो होते हैं ना उन्हें आप पहचान भी नहीं सकते, वो टकले लोगों की तरह खबर पड़ते रहते हैं। आप मुझे ही देख लो, स्लीपर सेल हूँ, इस गाड़ी में बम लगा है, आप विश्वास करोगे क्या? बम कहाँ पर है, कहाँ पर है बम? सर मजाक कर रहा हूँ सर। सुनो भाई, मुझे यही उतार दो, मुझे यही पर उतरना है। सर आपको यही उतरना है या फिर डर के मारे शहर ऑटो में जाना है? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा घर यही पास में है। इसके घर क्यों लेकर आई हो? खाना खाने यहीं पर तो था, क्या ढूंढ रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करने जा रही है? डर मत पागल, तो चल मेरे साथ, कुछ काम है मुझे, चल। ये सब क्या है? डुप्लीकेट की है। ये क्या है? शुगर? खीर बनाएगी क्या? कैसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तू? पेट्रोल टैंक में शुगर डालने से जो इंजन होता है वो जाम हो जाता है, सुना नहीं क्या तूने? 40 रुपए भले खर्च हो गए लेकिन मेरा बदला तो पूरा हो ही जाएगा, बहुत मजा आएगा। अब इसे पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ये क्या कर रही है? शुगर मिलाने के लिए कर रही हूँ। पता है जब मैं स्कूल में थी तब एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, उसके साथ भी मैंने ऐसा ही किया था, बेचारे की बहुत बुरी शक्ल बन गई थी, मुझे बहुत मजा आया था लेकिन। ये यहाँ हमारे कॉलेज में क्या कर रहा है? उसकी बाइक में शुगर डाला था ना, बदला लेने आया होगा। उसकी बाइक चल कैसे रही है? मैंने तो कंप्लेन कर दी है। ये तो पेट्रोल टैंक है ना? अरे मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ये पेट्रोल टैंक ही है लेकिन सोलर सेल से चलती है। सोलर बाइक है तो ये पानी से भी चलती होगी। मैडम ये सूरज की किरणों से चलती है। इसीलिए पेट्रोल टैंक खाली है लेकिन उसे सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। कैसी है भाई? बहुत अच्छी है। नंबर प्लेट देखो। पता नहीं इसमें इतनी चीटियां कहाँ से आ गई। ये पेट्रोल टैंक ओपन कैसे होता है? इसमें लॉक नहीं है, ढक्कन पे बारो खुल जाता है। लॉक खोल रही थी। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो, मेरा जो प्रोजेक्ट था उसके पैसे वापस करो। क्यों? अभी बताती हूँ। तुमने जो प्रोजेक्ट दिया था वो किसी काम में ही नहीं आया, सब कुछ मिट गया था। वो प्रोजेक्ट वही है, मेथनॉल इंक पेथनॉल इंक एक साथ मिलाकर लिखने पर एक घंटे में मिट जाता है। लास्ट पन्ने पे लिखा है, पढ़ा नहीं क्या? लास्ट पेज तो हमने देखा ही नहीं। मिट जाने के बाद ये स्प्रे मारने से मिटे हुए लेटर वापस आ जाएंगे। लाओ दिखाता हूँ। ये इंक मुझे नहीं दी थी ना? वो बनाते कैसे हैं वो इसमें लिखा है, पढ़ लेना। ये लो। और तुम्हें? नहीं नहीं आप रख लो, मेरे पास है। क्या है ये? सोलर बाइक है। सोलर बाइक? इसे तो हम लोग स्कूल डेज में चलाते थे। चली थी? कहाँ चल पाई? ये बॉडी स्प्रे नहीं है, कम यूज करो। चलता हूँ, बाय। ये स्प्रे इसके ऊपर मारने से मिटे हुए लेटर्स वापस आ जाते हैं सर। Very good. Nice. Thank you. कहिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बना के देते हैं ना? हाँ देता हूँ।
अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट देती हूँ। ऐसा क्या, दिखाइए। ये तो टोटल वाइट पेपर है। अब देखिए ना। ये हरे कलर से लिखा है। ओ, आपने पैथनॉल के साथ सल्फर डाइऑक्साइड यूज किया होगा। अगर उसकी जगह लाइम स्टिक ऑक्साइड यूज किया होता तो दोनों केमिकल के रिएक्शन से। ओ मिस्टर, मैं यहाँ केमिकल रिएक्शन की बात करने नहीं आई हूँ। मेरे अंदर जो रिएक्शन हुआ है उसकी बात करने आई हूँ। अंदर का रिएक्शन? ये कैसा रिएक्शन है? आई लव यू। टाइम मिले तो जवाब दे देना। लव करती हो? मैं तो खाली रहता हूँ। ये बात एसएमएस से भी बोल सकती थी। बाय। हाँ हेलो। क्यों रे नालायक, भिखारी कहीं का? मैंने महंगा फोन समझकर हाथ मारा था? चाइना फोन लेकर घूमता है, 100 रुपए का भी नहीं है। फोन रख। अगली बार मैं आपके लिए आईफोन रख दूंगा, इसे वापस कर दीजिए। ए, ये कैसा फोन है? कोई अच्छा वीडियो नहीं है, कोई अच्छा गेम नहीं है, और ऊपर से फोन की पूरी मेमोरी अपनी फोटो से भर रखी है। पागल कहीं का? क्या है कि शादी करना चाहता हूँ तो लड़की वालों को भेजनी पड़ती है, इसलिए रखी है। फोन रख। हेलो हेलो, फोन मत काटना, उसमें से मुझे कस्टमर मधुबाला का नंबर चाहिए। मधुबाला? नाम सुनकर ही दिल खुश हो गया। मधुबाला तेरी कस्टमर है या तू उसका कस्टमर है? हेलो, जरा तमीज से बात करो, वो बहुत शरीफ लड़की है। आजकल इन्हीं की डिमांड है, मैं बता रहा हूँ ना। ओ अच्छा, वो सब मैं नहीं जानता बॉस। तो जानकारी रखो, समझ गए? फोन रखो। मेरी वाइफ का फोन आया था क्या? वाइफ? तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादी हो गई है। होने वाली है। ओ, शादी से पहले वाली है? लवर है क्या? ध्यान रखना, आजकल भरोसा नहीं है, किसी के साथ भाग सकती है। वो सब मैं देख लूंगा, आप रहने दो। मेरी वाइफ का फोन आए तो इस नंबर पे फोन करने को बोलना, 9814। छी, मैं यहाँ कस्टमर केयर खोल कर बैठा हूँ। सारा बैलेंस बकवास में कट गया, फोन रखो। हेलो हेलो, ए इसने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अरे सेठ जी, किसी भी दुकान पर बात नहीं बन रही है, आप ही रख लो ना। यहाँ किसी भी दुकान पर यह फोन नहीं बिकने वाला, ये लो पकड़ो। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरे पास एक काम है, करोगे? क्या है सेठ? ड्राइविंग जानते हो? जानता हूँ। देखो, मुंबई से एक आदमी आ रहा है, मैं जहाँ बताऊंगा उसे लेकर जाना होगा। जाओगे क्या? चला जाऊंगा सेठ, कब जाना है? परसों जाना है। एक मिनट रुको। हाँ सेठ जी। कहाँ हो संजीव? बोलो सेठ जी। लोकल में हो या बाहर? लोकल ही हूँ सेठ जी। गाड़ी की किस्त भरनी है, आए नहीं तुम? भर दूंगा सेठ जी, 3 ही तो ड्यू है। देखो टाइम पर भर देना। और हाँ सुनो, मुंबई से मेरा एक दोस्त आ रहा है। हाँ। तुम्हारी गाड़ी का नंबर दिया है, जरा ध्यान रखना उसका, ठीक है ना? हाँ सेठ जी, ठीक है, मैं देख लूंगा। कब आएंगे? परसों आ रहा है वो, 15 अगस्त को। हाँ ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर। ये लो गाड़ी की चाबी, 15 अगस्त को एक कॉल टैक्सी आएगी, कॉल टैक्सी में जाकर हमारी गाड़ी से आ जाना। क्यों सेठ, दो गाड़ी में जाने के लिए बोल रहे हो? कोई लफड़ा है क्या? लफड़ा है ना, काफी बड़ा मैटर है। ये प्रोजेक्ट भी ठीक ही लग रहा है, वेरी गुड। दामिनी, परवीन, आपकी टीम क्या करने जा रही है? सेलफोन का सिग्नल कट होने पे कैसे उसे ठीक करना है? स्विच ऑन करने से फिर से काम करने लगेगा ना, इसमें नया क्या है? सर ये उस तरह का नहीं है, दूसरे तरह का है सर, रेडियम टू फ्रीक्वेंसी स्विच ऑन करने का। जानते हैं कि इसके बारे में मुझे पता नहीं है, उसी का फायदा उठाकर कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम जो कह रहे हो मैं जानता हूँ, पर मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे भरोसे पर ये प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को भेज रहा हूँ मैं, प्लीज इस कॉलेज की इज्जत बचा लेना तुम लोग, अंडरस्टैंड? दो मुझे ये लीजिए। लो रखो इसे। ये तो बकवास है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंप्लेंट की पूछताछ के लिए आईजी की तरफ से ऑर्डर आया है। लास्ट 2 दिन में आपके किस किस कस्टमर ने मुंबई बात की है, उन सभी के आने वाले इंडिपेंडेंस डे तक उन्हें मॉनिटर करने के आदेश आए हैं। मुंबई से कोई बात हो रही थी जिसे क्रॉस टॉक पे उस लड़के ने सुनी, उसे भी बुलाया गया है, वो आएगा तो उससे पूछताछ करके देखते हैं। सर। नमस्ते सर। ये कौन है? यही है वो लड़का सर। नमस्ते सर। और आप कौन है? मैं बड़ा भाई हूँ सर। तुम्हारा नाम नकुल है ना? हाँ सर। क्रॉस टॉक में तुमने क्या सुना वो बताओ। क्रॉस टॉक से नहीं सुना सर, सीधा टावर से सुना। क्या टावर से? हाँ, ओटीवी बीएससी टावर से। उसमें तो 4-5 शेयरिंग होते हैं। हाँ सर। 12 से ज्यादा पिन होते हैं, उसमें से कैसे पता चला ये हमारा नेटवर्क है? मेरे फ्रेंड के पास एयर टॉल की है, उसका कॉल रिकॉर्ड करने के चक्कर में ये कॉल सुन लिया था। तो जरा डिटेल्स तो बताओ। सर मेरा फ्रेंड एक लड़की से सीरियसली लव करता है, लेकिन उस लड़की का किसी और के साथ भी चक्कर था, बस उसी को रिकॉर्ड कर रहा था सर। वो कहानी नहीं, क्रॉस टॉक में जो सुना वो बताओ। वो तो कॉल रिकॉर्ड करते समय गलती से पिन में प्लग कर दिया था। कुछ लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, वो चेन्नई कॉर्पोरेशन, पब्लिक प्लेसेस,
इंडिपेंडेंस डे ब्लास्ट कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे सर। थोड़ी ही देर सुना था सर, मैंने सोचा ये बात पुलिस को बताना जरूरी है, मेरे फ्रेंड के चाचा आईजी हैं, इसलिए बता दिया था सर। देखा यही बात है, ये अब आपके साथ ही रहेंगे और हमें कॉल्स की लिस्ट दे देना। हाँ बाला सर, तुम इनके साथ ही रहना। ठीक है सर। ये मुझे दे। जी। तुम जा सकते हो सर। कौन है ये? हमारे नेटवर्क को इलीगली यूज किया, उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं? इसने कैसे डाउन लिंक को बीएससी से कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर लिया? सर बहुत इजी है सर, बीएससी केबल को ढूंढ कर उसमें आने वाले नंबर को ट्रैक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं सर। ये तो एक घंटे का काम है। आने वाले 15 अगस्त को सूर्य की सीधी किरणें धरती पे पड़ने वाली है, जिसके कारण मोबाइल के सारे सर्वर नेटवर्क बंद होने की संभावना है। तमिलनाडु के जाने माने ये टॉक कंपनी के मालिक और उनकी पूरी टीम ने हमें इस बारे में जानकारी दी है। ये कब तक बंद रहेगा इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कुछ घंटे या फिर कुछ दिन, या हो सकता है कि एक हफ्ता भर तक लग जाए। उन किरणों से जो इफेक्ट हुआ है उसे दूर करने के लिए हमारी रिसर्च टीम दिन रात काम कर रही है, और उनके सपोर्ट के लिए हमने कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट से सजेशंस और आइडियाज भी लिए। इतना ही नहीं, इंडिया की बड़ी बड़ी नेटवर्किंग कंपनियों के डायरेक्टर्स ने वैज्ञानिकों से बात की। फोन कट हो जाएंगे। क्या वजह हो सकती है कि सूर्य की किरणें? मेरा तो काम ही इसी पर चल रहा है, कमीशन पर गाड़ी चल रही है। मस्त लड़की है ना, टीवी को ध्यान से देख रहा था तभी समझ गया। नेक्स्ट मंथ वहां पहुंच जाती हूं, मैं ये बाद में देख लेती हूं। ओके ठीक है। हाय, ये क्यों उसे घूर रहा है? लग गई। हाय, हम लोग यहाँ साइड में खड़े होकर बात करें? हाँ हाँ चलिए ना। शेव कम कर दी है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। और कम करनी है क्या? कल मुझे किसी और को काउंसलिंग देनी थी, उसकी जगह आपको दे दी। ये काउंस कौन है? काउंस नहीं, काउंसलिंग। काउंसलिंग? वो क्या है, आत्महत्या करने वालों को काउंसलिंग देकर समझाना, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। ये तो अच्छी बात है। कल एक लड़का प्यार के चक्कर में मरने जा रहा था। ओहो, फिर उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ। ओके। वो मैंने गलती से आपको समझ लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। कल हमारे पास एक लड़का बैठा था ना, वो देखिए वही वो लड़का है। ये है वो लड़का? आपने मुझे हाथ पकड़कर समझाया था। हाथ पकड़कर समझाने से आदमी कंफर्टेबल होता है ना, इसीलिए। तो पूरी रात मुझे पूरी रात थैंक यू। रात में सोते समय याद करने के लिए क्यों बोला था? हम जरा बाहर चलकर बात करें प्लीज। रात में मुझे याद करने के लिए कहा था? तुम मरने के बारे में ना सोचो इसीलिए। फोन नंबर लिया था? वो हम सबसे लेते हैं। और वो पेंसिल भी तोड़ दी थी, बिना लगे दर्द हो रहा है। लाइए मैं इसे शार्पन कर देती हूँ। मैं चॉकलेट लाया था। हाँ दे दीजिए ना, मैं बच्चों में बांट दूंगी। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इसे पहन लीजिए, अच्छा लगता है। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माधवी। वो जेपी फोल्डर क्या, वो इंटरेस्ट कम है क्या? यहाँ पर तो इंटरेस्ट पूरा खत्म हो गया। हा? तुम जाओ ना। क्या किया आपने? कल हाथ पकड़कर प्यार कर रही थी और आज मना कर दिया। अब मैं आपको कैसे भूल पाऊंगा बताइए, क्या करूं? बार बार आपकी याद आएगी। सॉरी, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। एक काम कीजिए, आप मुझे कुछ बुरा भला बोल दीजिए, उस गुस्से में मैं आपको भूल जाऊंगा। मैं झूठ में भला बुरा कैसे कह सकती हूँ? जब झूठा प्यार कर सकती हैं तो बुरा भला भी बोल दो। मतलब प्यार करने वाले लड़कर अलग हो जाते हैं ना, उसी तरह हम भी अलग हो जाएंगे। प्लीज मुझ पर चिल्लाइए ना। मुझे चिल्लाने की आदत नहीं है। प्लीज आप मुझ पर चिल्लाइए तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जितना चाहो टाइम ले लीजिए, जब तक आप मुझे गाली नहीं देंगी मैं आपको याद करता रहूंगा। ऐसी गाली देना कि मरने का मन करे। देखते हैं भूला पाता हूं या नहीं, दोबारा मरते दम तक याद नहीं करूंगा। मालती दीदी। बोलिए मैडम। एक हेल्प चाहिए, करेंगी क्या? करूंगी ना मैडम,
आपकी आपके पति से लड़ाई होती है तब आप कैसे चिल्लाती हो? मैं चिल्लाती नहीं हूँ। ऐसा क्या, आप बिल्कुल नहीं चिल्लाती हैं? मैं चिल्लाती नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसकी गर्दन पकड़ के नीचे झुका देती हूँ और दे घूसे मार मार के मैं उसको जमीन पे पटक देती हूँ और पटक कर फिर लातों से मारती हूँ उसको। फिर वो 4 दिन पड़ा रहता है, कहीं नहीं जा पाता है। उसकी जो दाढ़ी है उसे अपने नाखूनों से खींच कर खून निकाल देती हूँ, वो शेविंग भी नहीं कर पाता है। क्यों पूछ रही हो, किसी को मारना है क्या? एक्चुअली दीदी, किसी को मारना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डांटना है बस। ये क्या मैडम, आपको डांटना नहीं आता? मैं बताती हूँ, इन्हें तो डंडे से मारना चाहिए और फिर कहना चाहिए, नालायक ऊपर गंदी नाली के कीड़े अगर नजर उठाकर देखो तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी, तेरे दांत तोड़ दूंगी। अरे बेशरम, कहीं के तेरे तो मैं लौकी की तरह छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। इतना काफी है कि और सुनाऊं मैडम? बस बस काफी है, काफी है। अरे रॉन्ग साइड से तो तू आ रहा है। अरे तू आ रहा था रॉन्ग साइड से, बकवास कर रहा है। अरे मैं तो सही आ रहा था रॉन्ग साइड से। कभी आईने में तूने अपनी शक्ल देखी है? खुद को बड़ा हीरो समझता है? तेरी ये जो दाढ़ी है ना, उसे खींच पैर के नीचे ऐसे कुचल दूंगी, तेरे छोटे 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 टुकड़े करके रख दूंगी, तेरा मुंह ऐसे फाड़ कर तुझे गोल 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 घुमा के तुझे। कहीं ये लड़की पागल तो नहीं? ओह नो, टच मोबाइल है, मेरे सब नंबर उसी में है, कैसे भी उसे पकड़ा दो सर। पूरे टाइम मोबाइल बंद रखता है, कभी कभी मुझसे बात करता है। स्टेशन पे आके कंप्लेंट करो, पकड़ लेंगे। हाँ, रिचार्ज करने के लिए बोलता है सर। कराया क्या? हाँ, 155 पर फुल टॉक टाइम है। अच्छा, वही रिचार्ज करने के लिए बोला है सर। ये नंबर नोट कर लो, आप सच्चे सिपाही हैं सर। इस नंबर पे भी कर देना। 98410। ये तो उससे भी बड़ा चोर है, आगे बोलिए सर। 66355। ठीक है सर। सुनो, हाँ? वो फुल टॉक टाइम वाला। हाँ ठीक है सर। हाँ, हेलो बॉस, कहाँ पर आके मोबाइल कलेक्ट करूँ? तुम कुछ भी कर लो, फोन तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। ए, ये सब क्या है? तेरी होने वाली वो बीवी 24 घंटे फोन कर करके मेरा दिमाग खाते रहती है। अच्छा, क्या बोली बॉस वो? ए, कहाँ पर हो तुम? महालक्ष्मी स्टेशन के पास एक ड्रॉप था, एक मोबाइल चोर की अच्छे से पिटाई हो रही थी, कहीं वहाँ तुम तो नहीं थे? क्या डरा रहे हो मुझे? यहाँ से सीधे वो बस स्टॉप है ना, उस बस स्टॉप पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है, जाकर पिकअप कर लो। कौन सा बस स्टॉप? अरे वहाँ के बस स्टॉप का नाम क्या बताया था? हाँ, KR नगर। KR नगर में पता नहीं है। पागल, तुम कॉल टैक्सी ड्राइवर हो ना? अब जाओ, खुद ही जाकर जगह ढूंढ लो। हेलो हेलो, लाइफ का मामला है, सोच के बताओ ना सर। ठीक है, एक मिनट रुको, कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। क्या कॉन्फ्रेंस? नहीं नहीं, मुझे नंबर बताओ, मैं बात कर लूंगा। नंबर बता दो, तुम ही बात करोगे, मुझे नहीं सुनाओगे क्या? आप क्या सुनोगे? ए, ऐसी बात सुनने में कितना मजा आता है पता है? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, दूसरे की लवर की बात सुनने में बहुत मजा आता है, कभी सुनकर देखना। ऐसा है क्या? हेलो हेलो, नहीं नहीं, रहने दो। अरे चुप कर, कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, बात करना, उसे कुछ मत बताना, समझे? ठीक है। हेलो हेलो, कौन बोल रही हो? मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। हेलो महालक्ष्मी, सुबह से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था। वेट कर रहे होते तो सुबह से फोन रमेश को क्यों देके आते तुम? उस सुअर का नाम रमेश है, वो सुअर लफंगा बात करने के लिए फोन मांग रहा था, उसे किसी से जरूरी बात करनी थी इसलिए मैंने उसे फोन दे दिया। अच्छा, मुझसे ज्यादा तुम्हारा दोस्त जरूरी है? तुमने मुझसे बात करने का वादा किया और अपना फोन अपने दोस्त को दिया है? ये भी ना, मेरा दोस्त कुमार भी ऐसा ही है, उसकी बातें कमाल की है पर वो चोर है पक्का। हाँ, ये भी ऐसा ही है। अच्छा, आपके फ्रेंड का मोबाइल शॉप है क्या? हाँ, चोरी करके बेचता है। हाँ? उनसे कहना बात करके अच्छा लगा, बोल दूंगा। ठीक है, शाम को बस स्टॉप पे आ जाना, मैं वेट करूंगी, ठीक है ना? कितने बजे का पिकअप टाइम है? कितने बजे आना है? 6 बजे। पहली बार आपको पिकअप करने आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ है? क्या? ठीक है, मिल गया, थैंक यू। नहीं, मैंने जो दिया वापस करो मुझे। नहीं नहीं, तुम मिलोगी तब दूंगा। मना करते करते दे दिया तुमने। महालक्ष्मी, इस नंबर पर लास्ट में 6 की जगह 9 लगाकर मुझे कॉल करना। महालक्ष्मी 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 को कब का कट कर दिया, दूसरा नंबर देकर अकेले ही बात करना चाहते थे। कैसे इंसान हो तुम, थू। तुम प्यार करते हो, प्यार करने वाले कैसे बात करते हैं पता नहीं है। सुन सुनकर मैं बोर हो रहा था,
कस्टमर की तरह इससे भी टाइम और एड्रेस पूछते रहना, प्यार मत करना। आदत सी हो गई है। आदत बदलना बेवकूफ कहीं का। हेलो, इसने बड़ा दुखी कर रखा है। वास्तु का पत्थर है, बिल्डर ने ऊपर रखने के लिए कहा है। आर्किटेक्ट ने तो ओके कर दिया इसे। आर्किटेक्ट ने तो ओके कर दिया है, लेकिन पत्थर का वजन ज्यादा है, बिल्डिंग के ऊपर रखने का रिस्क। इंजीनियर तो ये बोल रहे हैं। क्यों भाई संदीप, इस पत्थर को ऊपर रखने में क्या परेशानी है संदीप? अरे ये कोई केक पीस नहीं है, सिंगल रॉक है, 80 टन से ज्यादा का वजन, 12 ट्रक के वजन के बराबर। बाहर रखा, जाकर देख लो। किसी भी तरह ये वास्तुशास्त्र पत्थर ऊपर पहुंचाना है। पहुंचाते समय किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? एक्सक्यूज मी। यस मैडम। फ्लैट सेल करने वाले मोहित? वो चौथे माले पर है। वो वहां पर? सीधा जाके राइट। ओके। हाँ अशोक सुनो। ए हाय, देख कर आना, आराम से। हाँ, थोड़ा संभल कर। नहीं, मैंने ऐसा मकान पहले कभी नहीं देखा। सही जगह पर आए हो सर, हार्ट ऑफ द सिटी। किचन छोटा है ना, तुम ठीक से देख लो। आप देख लो एक बार, बच्चों को तो पसंद आ जाएगा ना। सर कौन से स्टेशन में हूँ? शास्त्री नगर में। अच्छा शास्त्री नगर। शास्त्री नगर में कौन सा? शरद सर। अपने शरद सर, उन्होंने हमारे यहाँ फ्लैट लेने के बाद वो डीएसपी के लिए प्रमोट हुए थे। हाँ, उनके दो बेटों की नौकरी और बेटी की शादी करने के बाद तो वो विदेश चले गए। सुनिए जरा क्या हुआ। ऐसी गोल 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 घुमा कर छोटे 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 टुकड़े करके रख। मोहित मोहित मोहित, अरे कहाँ खो गए सर? पिछले हफ्ते रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, तुम्हें पता नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर? वो क्या है कि घर तो हमारे यहाँ पर खरीदा था, लेकिन जब बाहर नुकसान होता है तो दोष खामोखा हमारे फ्लैट्स को दिया जाता है। सिर में दर्द हो रहा है सर, क्या करूं मैं? ऐसे इस तरह से फाड़ के तुम? आप चलिए ना सर। और चले। अब तू एक काम कर, जल्दी से गरम चाय। चलो अंदर, वहां चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, एक एप्पल जूस और दो स्ट्रॉ। जा जा जल्दी, भाग भाग, भाग लेके आ जा। यहाँ गया तो मैं जूस बन जाऊंगा। दो स्ट्रॉ इसके लिए, एक तो कुछ एक्स्ट्रा है। सॉरी, वो काम कर रहा था ना, ऑफिस टाइम है, एप्पल जूस मंगाया है। कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपको डांट कर वापस ऑफिस जाना है। ठीक है तो डांटो ना। पागल पागल। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? आप तो खुद मुझे पागल की तरह देख रही हैं। आप मेरी आंखों में देखेंगे तो मुझे गुस्सा कैसे आएगा? तो फिर कहां पर देखूं? आप कहीं और देखिए ना। मेरी बात सुनिए, आप मेरे पीछे मत आइएगा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसका पैसा खा गया होगा। बस डांट दिया। अरे मैं तो समझ रहा था कि आप फोन पर बात कर रही हैं, उसके बाद मुझे डांटेंगी। नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। आप अपने फ्रेंड्स को जाने के लिए कहिए ना। क्या फ्रेंड्स? अरे ये तो यहाँ पर काम करने वाले हैं। ओह ठीक है, बैंक जाने का टाइम हो गया है, मैं किसी और दिन आकर डांटूंगी। कोई बात नहीं। सुनिए, आप पर ये लाल कलर अच्छा लगता है। पता है मैं एक लड़के से लव करती हूँ। लव? किसको? तू जानती है उसे? मैं जानती हूँ। सेंट बेचने वाला। मच्छर की दवाई बेचने वाला। नकुल। क्या नकुल? हे भगवान, पागल है क्या? उसके पास ऐसा क्या है? ब्रेन। हमारे प्रिंसिपल के पास भी दिमाग है, उससे जाकर प्यार करना। छोड़ यार, तू नहीं समझेगी। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, रोमांस के मामले में बहुत वीक होते हैं। पहली रात में बल्ब ठीक करते हुए नजर आएंगे तुम्हें। दिखने से ऐसा नहीं लगता। देखने से नहीं पता चलता, साथ रह के चलता है। आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, किसी चीज का आंसर ढूंढ रहे थे। नहाते समय आंसर मिल जाने पर बाथरूम से नहाते हुए रोड पर बिना कपड़े के निकल गए। उस दिन 18 एक्सीडेंट हुए थे। हिस्ट्री में लिखा नहीं है लेकिन सच है। उसी तरह रेडियो की खोज करने वाले मार्कोनी ने पता है क्या किया था? घर पर दो बिल्लियां पाली थी, एक छोटी बिल्ली एक बड़ी बिल्ली। छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद किया था। छोटी बिल्ली बड़े छेद से चली जाती थी, उन्हें पता भी नहीं चलता था।
ये एक्स्ट्रा ब्रेन वाले लोग हम जैसों के साथ नहीं रह सकते। ये तुझे हनीमून वाले दिन छोड़कर कुछ और ढूंढने चला जाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि ये कैसे होते हैं। मैंने तो सिर्फ लव करने के लिए आइडिया मांगा था, इतना लंबा भाषण दे दिया तूने। मेरी माँ, बाद में मत बोलना कि मैंने तुझे लव करने के लिए बोला। दो दिन उसका पीछा कर, उसे समझ और देख। समझ आए तो लव कर, मुझे क्या। या इस मैच सेशन में एक भी मैच नहीं हारने वाली हूँ। मैं भी देखता हूँ माँ कब तक टिकेगी। क्रिश और रोनाल्ड जब तक रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, समझ गए तुम। देखते हैं देखते हैं। कौन है माँ? पता नहीं, रुक देखती हूँ। दामिनी। क्या भेजा है? हाय लिखा है। हाय भेज दीजिए। दामिनी लंबी वाली, हाय भेज दिया। अरे रिप्लाई आ गया। What doing लिखा है। कुछ नहीं लिख दीजिए माँ। कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिख कर भेज दिया। अब ठीक है ना? फिर से मैसेज। क्या लिखा है? ओहो लिखा है CHUMMAA। अरे वो तो चुम्मा मांग रही है। आप ही दे दीजिए ना माँ। कौन मैं? अरे तू खुद के भेजना, मैं कैसे भेज सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, भेज दीजिए ना। ठीक है तो फिर चल बता कैसे भेजना है। UMM लिख के 10 बार A लिख दीजिए। UMMAAA। हाँ। उम्मा। अब ये उम्मा क्या लिखवा है, इसका क्या मतलब होता है? भेज दो ना माँ। तू कहता है तो भेज देती हूँ। साथ में स्माइल भी डाल देना। अच्छा बेटे, स्माइल स्माइल तो मैं बहुत अच्छी तरीके से डाल दूंगी, आखिर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। क्या गोल मार। गोल छोड़, ये बता वो तुझसे बहुत प्यार करती है। नकुल अब मैं ये करूंगी तो रोटी कौन बनाएगा, तू अपना काम संभाल। ले पकड़ पकड़ पकड़। लाइन 4 कम ऑन लाइन। ऑपरेटर कम ऑन लाइन। ऑपरेटर कम ऑन लाइन। लगता है क्रेन जाम हो गई है। A2 to 10 वजन बहुत ही हैवी वेट है, ये डिसीजन बहुत ही गलत लिया गया। तू इधर ही बैठ, गुरु आए तो अंदर भेज। कॉल टैक्सी आए तो मुझे बताना। सुषमा इसको अंदर रखो। हाँ? और बच्चों को बाहर भेजो। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी अंदर जाओ। कॉल टैक्सी अभी आ जाएगी भाई, अभी आ जाए। किसकी गाड़ी है? मेरी जान पहचान वाला ही है। जान पहचान का है, अगर मर गया तो? मरता है तो मरने दो ना, गाड़ी की 3 किस्त ही बाकी है। सेठ जी थोड़ा लेट हो गया, आपका सामान लेकर आया हूँ। ये लड़का आपके साथ रहेगा, चल ओपन कर। ओके संभाल कर रख। ताऊ जी कॉल टैक्सी आ गई। ठीक है तू चल, आइए भाई। नमस्ते सेठ। नमस्ते, चलो चलते हैं। चलो मैडम चलते हैं। ए, ये कस्टमर नहीं है, ये साहब जाएंगे। ओ, ये आपके कस्टमर हैं? जा। सॉरी मैडम। आई जाए साहब। ये तो एक साइज में लग रहे हैं। ये लोग मिनिस्टर के पीए हैं। हेलो सर, नमस्ते। वो रिश्तेदार हैं। हेलो सर, ये मिनिस्टर बलिराम सिंह के पीए हैं ना? हाँ। सर उन्होंने तो हमारे यहाँ पर 2 फ्लैट बुक किए। अरे कितने किए? हाँ 2 फ्लैट बुक किए हैं सर। अच्छा 2 फ्लैट? 2 फ्लैट बुक किए हैं सर। नगर में है, वहाँ लेने के बाद तो राइट में फ्लाइट में जाते हैं और लेफ्ट में घोड़े की रेस देखते हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तो कोई फ्लैट सेल नहीं हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है तो फिर सोच का जवाब देते हैं। ठीक। हेलो ये क्या कर रहे हो? पेंसिल शार्प थी सर। आप खुद बड़े बिल्डर हैं, आपको तो पता है कैसे बेचते हैं सर। एग्जैक्टली सर, शाम को आकर इनसे एडवांस लेके जाना, गौरव भूलना मत। ओके हमने अभी हाँ कहाँ बोला? अरे सर अभी तो आपने सिर हिलाया था। मैंने सिर्फ टाई एडजस्ट की थी। सर ये मेरा फोन है, आप नीचे रखिए। कट कर दिया सर, सुबह से 10 बार फोन आ चुके हैं, वही फ्लैट चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए होल्ड पर रखा है। बोलिए क्या बोलते हैं? धीरे धीरे नीचे उतारो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
किसी ने टोटका बता दिया था, ये पत्थर रखने से सारे घर बिक जाएंगे। तभी से बिल्डर हमारी जान खा रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। चलो देखते हैं। तुम्हें इंग्लिश आती है? नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। सेम सेम। ये कैसे मुंह बनाकर बैठा है? कॉर्पोरेट ऑफिस में किससे मिलना है? एक आदमी ने बुलाया है। गवर्नमेंट ऑफिस हमारे घर जैसा है, सलाम ठोक कर अंदर घुस जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी हेल्प कर दूं। इसीलिए तो सेठ ने तुम्हें हमारे साथ भेजा है। बॉस, तुम्हारी आवाज बिल्कुल उस मोबाइल चोर के जैसी लग रही है। अच्छा, हेलो हेलो संजीव, कल टैक्सी लेके आ जाओगे? टैक्सी नहीं है, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो संजीव। हाँ मैडम, तुम्हारे नंबर पे कॉल किया। उस नंबर पे कॉल मत करना, इस पे करना। ओके थैंक्स मैडम, कल आ जाऊंगा मैडम। बॉस, हाँ? गुस्से में मैंने उसको गाली दी। तेरी माँ की आंख। हाँ, ऐसी ही गाली दी जिसने मेरा मोबाइल चुराया है। मोबाइल चुरा कर खेल रहा है, मुझे गाली दे देकर बोर कर चुका है। अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। सामान लेके आ गया। इतने सारे वायर कैसे हैं? रोड को देखो और गाड़ी चलाओ। हाँ चलाता हूँ। बड़ा घमंडी लग रहा है। ओ भाई, तुम्हारी जगह आ गई। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ, ये कौन है संजीव? ये हमारे कस्टमर है सर। ठीक है, इन्हें जाने दो, तुम जाओ। थैंक यू सर। गाड़ी रोको। ये लो भाई, चलते हैं। ओके सर, थैंक यू। हेलो, हाँ? पैसे कम है? कोई बात नहीं, तुम रख लो। अरे ये तो बहुत कम पैसे हैं। ओ अच्छा, अब ठीक है ना? हाँ। हेलो माँ लक्ष्मी, उस दिन बस स्टॉप पे थोड़ी देर मिल पाए थे, आज शाम को मिलोगी क्या? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। भाई, समझ रही हो ना? चलो चाय पीते हैं। रहने दो। अरे चलो ना भाई। अरे रहने दो भाई। अरे कौन है? फोन पर कौन है? गर्लफ्रेंड है, उसे हाय बोलना। हाँ चलता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड को ये हाय क्यों बोल के क्या? हाँ महालक्ष्मी, एक लड़का तुम्हें हाय बोल रहा था, जानती हो क्या? फाइनल कर दूं ना सर? तुम्हारे आदमी कैसे काम करते हैं, किसी से भी बात नहीं हो पा रही है। अगर इसे जल्दी नहीं उतारा तो इसके सारे तार टूट जाएंगे। जाओ नीचे जाकर ध्यान रखना, इसके आसपास कोई आना जाए। मैं बात करता हूँ। अगर ये पत्थर गिरा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम पत्थर को धीरे धीरे नीचे उतार रहे हैं। ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकते, वरना बचे हुए तार भी टूट जाएंगे। मैं कहाँ पर हूँ, ऐसा मैसेज आया है, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया सर। Where are you, dear? हाँ, dear कहने पर गुस्सा नहीं आता ना। ए, ये क्या है? बम फोड़ने का रिमोट है क्या? ये रिमोट नहीं है, साधारण सेल फोन है। कार में जो रखा है वो सेल फोन बम है। अरे संजीव, सर को छोड़ना था, फ्री हो क्या? हाँ सर, थोड़ा वेट करो। हाँ, वेट करता हूँ। कॉल आते ही 3 रिंग के बाद बम फट जाएगा। सेक्रेटरी आया था, उनके बॉस को लेकर जाना है। ए, रुको 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 रुको, मैडम आइए आइए, बच्ची को लेकर इधर आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ? सिग्नल कट हो गया। हेलो हेलो हेलो, अरे क्या कहा सर? छे हेलो 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 ह
हेलो, मैसेज भी नहीं जा रहा। नीचे से सारे स्टाफ को हटा दिया है, अब नीचे कोई नहीं है सर। सारे स्टाफ सुरक्षित जगह पर है सर। हेड ऑफिस से कनेक्शन जोड़ दिया है सर। ब्रांच मैनेजर पांचवी मंजिल पर वॉकी टॉकी पर बात कर रहे हैं सर। सारा काम ठीक से हो रहा है। मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। फोन के काम करने पर बम फटेगा क्या? हाँ। आज के समय में भी ऐसी लड़कियां होती हैं जो मिलने की बात सुनकर ही शर्मा जाए। लगता है बहुत संस्कारी है। संजीव तू बड़ा लकी है यार। कहो संजीव कैसे हो? अच्छा हूँ सर। चलें? अच्छा ली सर। ठीक है सर। गाड़ी निकाल, उस गाड़ी को फॉलो कर। अरे यार गाड़ी तो चलती ही जा रही है। सिग्नल आने दो फिर बटन दबा देना। अरे बेवकूफ, हमारा प्लान गवर्नमेंट बिल्डिंग को ब्लास्ट करने का था। वापस गए तो फंस जाएंगे। तू सही से गाड़ी को फॉलो कर। पब्लिक प्लेस में जैसे ही गाड़ी पहुंचेगी बम ब्लास्ट कर देंगे। माले फोन में सिग्नल भी नहीं है। कंपनी कहती है जहाँ जाओगे वहाँ सिग्नल मिलेगा। मैं जो टावर के नीचे खड़ा हूँ सिग्नल छोड़ो एक डंडा तक नहीं है। पता नहीं कब आएगा सर। भाई फोन का इंतजार कर रहे हैं, किसी पार्टी का फोन आने वाला है क्या? पार्टी नहीं यार, ब्यूटी का। ब्यूटी? ए माधवी बे। ओ तुम्हारी दीदी? तेरी दीदी। अंदर बात करते समय उसका मैसेज तो आया था। मैंने मैसेज से पूछा भी कि कहाँ उड़ी है, तो उसका रिप्लाई नहीं आया। फैमिली के बारे में डिस्कस करनी है बोल रही थी। फैमिली मैटर है? उस दिन तो डांटने आई थी, फिर करीब कैसे आ गई? वो क्या है ना, अगले दिन डांटने के लिए फोन आया था, तो मैंने उसको कहा कि वो अपनी साइट है ना वहाँ पर आ जाना, तो उसी दिन वो साइट पर भी आ गई। हेलो मैं आपकी साइट पर आई हूँ, आप कहाँ हैं? अरे आप वहाँ पर आ गई, लेकिन सॉरी मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। एक्चुअली लेबर को जरा चोट लग गई है तो नहीं आया हूँ। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। एक काम कीजिए, यहाँ आकर मुझे डांट दीजिए। कहाँ है आप? SM क्लिनिक में। हाँ बोलिए सर। माधवी तुम हो कहाँ अभी तक? आ रही हूँ सर। वो स्टील प्लांट वाले कस्टमर्स आ गए हैं। ओ आ गए हैं, आती हूँ। तुम्हें नए लोन टैरिफ के बारे में इन्हें एक्सप्लेन करना। मैं अभी आ रही हूँ सर। बस 5 मिनट वेट कीजिए, वो ऑन द वे है। हेलो कहाँ हैं आप?
हाँ, मैं वो दवाई लेने के लिए मेडिकल शॉप पे आया। मुझे हॉस्पिटल आने के लिए कहा और आप दवाई लेने चले गए। दवाई थोड़ी देर में भी ला सकते थे ना? वो क्या है कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मजा आ रहा है आपको? एक मिनट, आप वहाँ रुकिए, मैं वहीं आता हूँ। रहने दीजिए, आप वहीं रहिए, मैं वहीं पर आती हूँ, ठीक है? गुस्से में आ तो गई थी, उसके बाद इडियट बोलकर फोन कट कर दिया। पता है कैसा लगा? जबरदस्ती का प्यार। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गई। किसने बोला था इतनी लेट आने के लिए? तुम अपनी मर्जी से आ जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। 5 मिनट का भूल के 1 घंटा लेट आई हो। 9 o'clock मतलब 9 o'clock ऑफिस में होना चाहिए और इसी के लिए तुम्हें महीने की पगार मिलती है। तो कह नहीं रहा है कि यहाँ काम करो? वो लोग 20 मिनट तक यहाँ इंतजार करते रहे। ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अब तुम्हें उसके घर जाकर वेट करना होगा। इस तरह खड़ी मत रहो, हाथ पैर जोड़कर उस कस्टमर को वापस लेकर आओ। और अगर तुम ये नहीं कर सकती तो वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि ऐसे में तुम आने वाले कस्टमर्स को काउंसलिंग के नाम पर और डिस्टर्ब करोगी, इससे कंपनी का नुकसान होता है। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। ऑफिस आवर्स में भी पर्सनल काम करती है। अरे वहाँ पर आने के लिए बोलकर आप यहाँ आ गई, एक फोन तो कर देती। पता है मैंने कितना वेट किया आपका। चलिए अब चाय पीते हैं। क्या हुआ, आंखों में कुछ हुआ है क्या? नहीं, फोन करके क्या बोलूं तुम्हें? तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो? सुपर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है आपने। इडियट, तुम पढ़े लिखे हो ना, एक बार में बात समझ नहीं आती। उस दिन तुमसे गलती से बात कर ली, माफ कर दो। उस दिन के बाद तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अगर तुम में जरा भी शर्म है तो तुम यहाँ से चले जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। इतना सुनने के बाद भी यही खड़े हो? हाँ ठीक है, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होगा, पर मुझे है। अगर आज के बाद दिखाई दे तो एक लगाऊंगी। ऐसी पागलों जैसी शक्ल लेकर रोज मेरे सामने आ जाते हो, तुम्हें तो डांटने का भी मन नहीं करता। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। जाओ जाओ। सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उसके बाद 2-3 बार उसने फोन किया लेकिन मैंने उठाया नहीं। उसने डांट दिया तो क्या हुआ, इट्स ओके, लेकिन दोबारा बात करने के लिए उसने तुम्हें फोन किया था ना? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा? रुको ना बेटा, उसने तुम्हें 4-5 बार फोन किया, तुमने उठाया ही नहीं। प्यार करने का नाटक करके ना किया तो अब कैसे बात करूं, बहुत दर्द होता है सर। सर, गलती इंसान से ही होती है, उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। इसी तरह उसने भी हाथ पकड़ा था सर। मैंने भी तो हाथ पकड़ा है, इसका मतलब भी वही समझोगे? सर, आदमी के छूने और औरत के छूने में बहुत डिफरेंस है ना सर, ये बूढ़ा नाराज ना हो जाए। सर, माधवी 1 हफ्ते से किसी से बात नहीं कर रही, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती है। वो जिस तरह से चिल्लाई थी उसे बहुत फील हुआ था। उस समय तो काली माता लग रही थी। इतना गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले जब वो गुस्सा हुई थी वो बात बहुत ज्यादा पुरानी है, 17 साल पहले अपने घर पर ही खाना खा लो बेटा। उसे अपने पिताजी से गुस्से होते हुए देखा गया। माधवी के पिता बड़े बिजनेसमैन थे, वो बिजनेस कर रहे थे, उसमें उन्हें घाटा हो गया, तो घाटे से उभरने के लिए उन्होंने काफी कर्ज ले लिया था। खाना खा लो माधवी। बेटा खाना खा लो। जब तक साइकिल नहीं आएगी, नो खाना। अरे नहीं बेटा, मेरी बात मानो, खाना खा लो। नहीं खाना, बैठ जाओ बेटा। नहीं करते, मैंने कहा ना। अच्छी बच्ची हो ना, खाना खा लो। तुम्हारी बहन ने भी खाना खा लिया ना? मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी और मम्मी से भी नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। पापा साइकिल दिलाएंगे बेटा, आओ ना। माधवी को साइकिल नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो बिना खाना खाए गुस्से में मेरे घर पे। अच्छी लड़की हो ना, मम्मी पापा की बातें मानते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। तुम तो होशियार बेटी हो। पापा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ और मम्मी आपसे भी नहीं। गुड गर्ल। शिल्पी, राजू, राजू, देखो तो। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया? क्या होगा? लिया हुआ कर्ज चुकाना पाने की वजह से राजू ने अपनी पूरी फैमिली के खाने में जहर मिला दिया और सबको मौत की नींद सुला दिया। लेकिन माधवी किस्मत वाली थी, उसके माँ बाप और बहन की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी। उस वक्त मेरी भी रूह कांप उठी थी। माधवी छोटी बच्ची थी, उसे तो रोना भी नहीं आता था। देखो, बिजनेस में फायदा और नुकसान तो होता ही है,
उसके लिए पूरी फैमिली को मार देना कहाँ की समझदारी है, पर उसने नहीं सोचा। उसके बाद माधवी किसी से गुस्सा नहीं हुई। अगर उस दिन उसे कोई समझाने वाला होता तो ये घटना नहीं घटती। वो परिवार आज भी खुशी से रह रहा होता और वो सब जिंदा होते। आपको अंदर बुला रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, आज भागेगा और मरने जाएगा, जाना मरना। कर क्या जा, ये ले, छोड़ो मुझे। फिर बोलेगा मरने जा रहा हूँ, फिर बोलेगा, फिर ये ले। ऐसे झगड़ा करना अच्छा नहीं है, आपके ही घर में प्रॉब्लम होगी। इतने साल बिना फैमिली के रही हूँ। जानता हूँ, सब बताया है। लेकिन अब नहीं रह पाऊंगी। अरे बाप रे, अब मम्मी पापा कैसे आ पाएंगे? आपको ही उन्हें थोड़ा थोड़ा भूलना होगा। बिल्कुल बेवकूफ है। क्या हुआ? तू सीधी बात समझ ही नहीं आती। कुछ कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं चलता हूँ। एक मिनट। हाँ? फैमिली मैटर है, डिस्कस कर सकती हूँ क्या? किसकी फैमिली है? सिर में दर्द है क्या? कुछ नहीं, कल बात करते हैं। कल बात करते हैं। थैंक्स मैडम, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जीना है। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ मैडम, जीना है मुझे, जीना है मुझे, जीने दो। एक मिनट में इंसान की लाइफ बदल देती है। अब बता मैंने क्या गलत बोला? उसके मम्मी पापा आप कैसे आएंगे? हाँ, सही बोला ना मैंने? उसके बाद जानता है उसने क्या बोला? पागल बोला मुझे। लेकिन एक सच बताऊं, ऐसा लगा पेंसिल चला दी उसने दिल पर। तेरे भी सिर में दर्द है क्या? पत्थर गिरा तो स्क्रैप आइटम्स के ऊपर गिरेगा, लेकिन फिर पत्थर का क्या होगा? कहाँ हो डियर, उसका रिप्लाई नहीं आया। कहीं सच में गुस्सा तो नहीं होगी, या कहीं कुछ और बात तो नहीं है ना? कहीं और शादी तय हो गई होगी। ए, अगले महीने तुझे सैलरी नहीं दूंगा। भाई, उससे मिलने के बाद मैं तुझे देखता हूँ। भाई, चलाकर गाड़ी स्टार्ट कर। मेरी क्लास में ना एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। इतनी बड़ी सेलफोन कंपनी के मालिक होकर खुद आप यहाँ चलकर आए हैं, हमारे कॉलेज का गौरव बढ़ गया सर। Can we meet the students? 15 अगस्त होने की वजह से सेलिब्रेशन के बाद सारे स्टूडेंट घर चले गए होंगे, बट ये लोग काफी सिंसियर हैं। आपने जिन चार स्टूडेंट्स की बात की थी वो यही है, तीन आए। दामिनी कहाँ है? घर गई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, छोड़ो उसे। आप एयरटॉक कंपनी के MD हैं और आप हैं वॉइस चेयर। हेलो। तुम्हारा प्रोजेक्ट इन्हें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तुम लोगों से मिलने यहाँ आए हैं। अगर तुमने प्रोजेक्ट को सही ढंग से हैंडल किया तो तुम्हें इनकी कंपनी में जॉब मिल सकती है। थैंक यू सर। ये प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सर, आपने ये प्रोजेक्ट पढ़ा? इट्स अ न्यू थॉट, पढ़कर देखिए। पढ़ने जैसा नाटक करता हूँ मैं। टावर ही टावर दिख रहे हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे रे, ये तो सांप की तरह लग रहा है। सर, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक? ये देखिए, पेपर फटा हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? ये क्या सर, प्यून की तरह बात कर रहा है? आप इसे प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं? कर लेगा ना? एकदम से कैसे कर पाऊंगा? ये प्रोजेक्ट तो तेरा ही है ना? मैंने कब कहा कि मेरा प्रोजेक्ट है? नकुल से लिया है। कौन सा नकुल? वो जो जिसके पास सोलर बाइक है। ये लोग तुम आपस में क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? सर यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जल्दी से बताओ ने। सर वो लैब में हो जाएगा। तो फिर करो ना। वो दूसरी लैब में हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम वहाँ जाकर करते हैं। सर वो यहाँ से काफी दूर है, बहुत ट्रैफिक होगी। इतनी भी दूर हो, हमें ये प्रोजेक्ट करना ही करना है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए डिस्टेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। देखो बेटा, पिछले कुछ सालों से कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे डस्टबिन की तरह देखते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो इससे मेरी इज्जत काफी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना? तुम अकेले आ रहे हो, कार कहाँ है? सर मैडम को छोड़ने के लिए गए हैं, आने में टाइम लगेगा। अरे ये भी ना, वो कॉल टैक्सी आ रही है। थैंक यू संजीव। वेलकम सर। हां बाय सर। सुनो भाई, कॉल टैक्सी। बोलिए कॉलेज वालों, हमें जल्दी चलना है। जाइए, किसने रोका है? हां, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो। अरे जाना कहाँ है सर? हां, अरे हमें तिलक नगर जाना है और तुम्हारी टैक्सी से जाना है, इसमें चलना है। हां आइए आइए। मैडम आप आगे बैठिए। पीछे बैठो, पीछे। सर मैं डिक्की में बैठ जाओ।
यहाँ मत दबाओ यार, सिग्नल आ जाएगा तो। देखा नहीं, ब्यूटीफुल कॉलेज गर्ल्स हैं, उनकी लाइफ खराब मत करो। ए, ये सब क्या है? कार में बॉम्ब फिट करके हम उसके पीछे भाग रहे हैं, कहीं हम ही नंबर मरा जाए। मुंह बंद रखो और उस गाड़ी को फॉलो करो। बोल दिया कि लैब में करेंगे, वहाँ लैब नहीं हुआ तो? अरे नकुल के घर जा रहे हैं। नकुल नहीं मिला तो? ओहो, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, सिर्फ मुंह चलता रहता है। मुंह नहीं तो क्या पेट चलाएंगे? हेलो, गाड़ी चलाते समय आगे देखो। इस रास्ते से जाइए। ये आवाज कैसी है? नथिंग सर। बॉम्ब का सिग्नल दिख रहा है। पहले इसे बंद करो। पीछे से आवाज आ रही है। सर ये बॉम्ब की आवाज है। अरे बॉम्ब कौन लगाएगा? सच कह रहा हूँ, ये रियल बॉम्ब डिटेक्टर है। पिछले महीने तुमने ऐसा ही कुछ बनाने का दावा किया था जो झंडू बॉम्ब निकल गया, अभी बॉम्ब डिटेक्टर बना लिया। ये ऑन क्यों हुआ? ये टुन टुन की आवाज बंद करो, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही हैं, कहीं सेल फोन वाला भी तो फुस नहीं होने वाला है। नहीं सर, वो सही काम करेगा। बंद करे से हाईली एक्सपोज दिखा रहा है। बंद कर। बंद नहीं हो रहा है। टीएन नगर में कहाँ पे? वो जमा मस्जिद के पास है अंकल। ओके आंटी। सर पत्थर को इतने समय के लिए हवा में रोक नहीं सकते, धीरे धीरे लिफ्ट को ऊपर खींचिए। मुश्किल है सर, ओवरवेट की वजह से क्रेन जाम हो चुकी है, धीरे धीरे सारे बोल्ट्स निकल रहे हैं। मैंने इंजीनियर से पूछने के लिए फोन किया था लेकिन तब लाइन कट हो गई, यहाँ फोन काम नहीं कर रहा है। सर बिल्डिंग के पास किसी को भेजकर इस पत्थर को नीचे रखने की परमिशन लीजिए। एक पत्थर को उठाने के लिए इतने क्रेन की क्या जरूरत है? देखो उस पत्थर को, चार लोगों ने मिलकर उठाया है लेकिन हमारी बात कौन सुनता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहित, जब कोई बुलाकर हमें डांटता है ना तो समझो वो हमसे प्यार करता है। मतलब सर ये प्यून का काम बड़ा बेकार होता है ना। हेलो, मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ। आपकी बातें प्यून की तरह थी। क्या कहा? इसलिए पूछा, वो सर फोन काम नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारा ही फोन क्या, यहाँ किसी का फोन काम नहीं कर रहा है। ये सोल लेयर जब तक है ना, मैं किससे बात कर रहा हूँ, किराए की गाड़ी चलाने वाले, तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आएगी? गाड़ी के मालिक को समझ में आएगी क्या? अरे भाई ये साइंस है, इसके लिए दिमाग चाहिए, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। ऐसी कौन सी साइंस है, एक करता है तो साइन, दस लोग करते तो साइंस। चुप रहो, ऐसे क्यों हंस रहे हो, तरंगों का मतलब बताओ। चलो इसकी वॉइस अच्छी है, बताओ ना। तू क्या बोल रही है? तुम बताओ। सर वो जो है ना वो मैं एक बात पूछूं क्या? ये वेस्ट लगेज ले जाकर आप क्या करेंगे? सही कहा, इसमें आप भी आते हैं। तुम इतना बोल रहे हो, चलो तुम ही बता दो तरंगों का मतलब। अरे तरंग जो है ना सूर्य की किरणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं और वही किरणें हमारी जमीन पर आती हैं। अब जमीन पर आने वाली किरणें सेल फोन से आने वाली किरणों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे हमारा सेल फोन काम नहीं करता है। सही कहा। अब ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। ए जरा देख के। हेलो, तुम जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ये बताओ ये सब बातें तुम कैसे जानते हो? मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा बेवकूफ थोड़ी हूँ जो कुछ नहीं जानता। रेडियो पर ये खबर मैंने बहुत बार सुनी है। मानना पड़ेगा, बातें बहुत अच्छी करते हो। कस्टमर पटाने के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते। ये कौन सी जगह है? टी नगर। क्या? टी नगर। मैं उधर क्या? जाओ जल्दी आना। सर मैं भी जा रहा हूँ। इस एरिया में लैब है। ये सही जगह है बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। कम से कम 300 लोग मारे जाएंगे। यहाँ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। वो कॉल टैक्सी जा रही है, फॉलो कर। कहीं ये रिश्वत देकर तो प्रिंसिपल नहीं बना? बिल्कुल सही कहा सर। नकुल का घर कहाँ है? वो रहा। हाँ तुझे कैसे पता? जिनका नाम नकुल होता है उनका घर ऐसा ही होता है। हाँ। नकुल। हाँ, बिजली। हाय आंटी। अरे बिजली,
इतने दिन तक कहाँ गायब थी, क्यों मिलने नहीं आई मुझसे? अब सब साथ आए हैं, आओ आओ अंदर आओ। कोई बात नहीं आंटी, नकुल से मिलना था। नकुल यही है, वो दामिनी आई है ना, उसके साथ छत पर गया है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व करने। छत पर खुले में? दामिनी यहाँ पर है। ओ, अरे बताना भूल गई, वो तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल मर गए है ना, इसलिए छुट्टी हो गई तो वो यहाँ आ गई। प्रिंसिपल मर गए? वो तो पहले से मरे हुए हैं, वो यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे शौक होने की जरूरत नहीं है, अभी अंतिम संस्कार नहीं किया होगा, ले जाने वाले होंगे, जाओ जाओ। अरे नहीं आंटी, हम नकुल से मिलके चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, नकुल हाँ, से मिलना है, जाओ जाओ मिल लो जाओ। अरे अरे बेटा बेटा ये ठीक कर दिया मैंने, ये मल्टीमीटर कनेक्शन है, ले जाओ नकुल को दे दो। उसका कनेक्शन तो पहले ही जुड़ चुका होगा। अरे ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ लेकिन दामिनी कहाँ है? क्या पता। ए, तू यहाँ क्यों आई है? हेलो, ये हमें पूछना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रही है? अपने प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट? फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट। ओहो, उसने कहा कि ऊपर छत वाले कमरे में आ जा और बोला कि जल्दी से आ जा वरना कोई देख लेगा। हा? मैंने सोचा ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा तो मैं आ गई। पता है उसने आधे घंटे तक छोड़ा ही नहीं, ये तार वहाँ वो तार वहाँ, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, मेरी तो जान ही निकल गई। एट लास्ट मैं टाइम प्लीज कह के बाहर निकल आई। मैंने पहले ही कहा था। हाय हाय हाय, आंटी ने ये देने को बोला है। ये देने के लिए तुम लोग कॉलेज से यहाँ आए हो? ए, हम फालतू नहीं है। हेलो एक मिनट रुक, एयर टॉक वालों ने इसको हमारा प्रोजेक्ट समझ लिया है और इसे प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए बोल रहे हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ समझा उन्हें, जैसे तैसे करके समझा दूंगा। अभी मैं इसी आइडिया को ट्राई कर रहा हूँ। इसमें इतनी मशीन है, इसके साथ कैसे फोन ऑन करोगे? दो तरह से किया जा सकता है, पहला ये TRX के जरिए। TRX क्या है? ये जो बॉक्स है इसी को कहते हैं TRX, और हाँ इसी TRX की वजह से फोन कॉल आती जाती है। सूरज की किरणों से ये डैमेज ना हो जाए तो इसीलिए उस टावर में 456 लगा रखा है। ओके। और दूसरा ये जो टावर में एंटीना दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। उसे कहते हैं सीक्रेट एंटीना, वो जो पतला सा दिख रहा है। मैंने उसे ट्यूबलाइट समझा था। उससे भी हमारी फोन कॉल आती जाती है। वो जो गोला सा दिख रहा है ना, वो है माइक्रोवेव एंटीना। हमारी जितनी भी कॉल आती है ना, वो सब इसी के द्वारा BSC के पास जाती है। कॉल तो सीधे आनी चाहिए, यहाँ से वहाँ क्यों जाती है? ये BSC क्या है? BSC का मतलब बेस स्टेशन कंट्रोलर, ये सब टावर को कंट्रोल करने का एक स्टेशन है। हम जो कॉल करते हैं वहीं जाकर उससे वो कॉल लगती है। एक कॉल करने में इतना सब कुछ हो जाता है? ये सब जाने बिना ही हम इतने मिस कॉल देते हैं? ये सब एक चुटकी में होता है। इस टावर को चालू करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये है ट्रांसपोर्टर, ये है TV सेटअप बॉक्स। इन दोनों के सही से काम करने पर ये मीटर काम करेगा। टावर रूम से आने वाला मेन वायर इसने जोड़ दिया है। सेलफोन की फ्रिक्वेंसी मिलने पर ये खुद रिसीव कर लेगी। ये सारी चीजें इस लैपटॉप से कंट्रोल होगी। वाह, अभी के लिए ये छोटा टावर ही वो बड़ा टावर है। सोच रहे होगे छोटे टावर से क्या होगा, साइंस के हिसाब से बड़े टावर से ज्यादा छोटे टावर में पावर होती है। इस एरिया में टोटल 18 सेलफोन टावर है, एक भी काम नहीं कर रहा है, लैंडलाइन काम कर रहा है। ये जो आइडिया है ना, लैंडलाइन के द्वारा सेलफोन चालू करने का है। इधर आओ, देखने से समझ जाओगे। साक्षी दीदी के लैंडलाइन से मैंने अपना सर्वर रूम कनेक्ट कर दिया है। अगर हमारा सेटअप सही रहा, आने वाले 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी फोन है ऑन हो जाएंगे। ए, ये गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है? यहाँ क्यों खड़ी है मुझे नहीं पता। ए कविता, पिछले हफ्ते तू गई थी ना, मैं भी एक घंटे की परमिशन लेके आई हूँ, लेट हो गई तो संभाल लेना। वाह क्या मस्त लड़की है। हाँ हाँ ठीक है, पर तू जल्दी से आना। क्या? वो लड़की है ना सुपर पाव भाजी की तरह। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है, थैंक्स। ये इस कार में क्यों जा रही है? कपड़े की दुकान। ये तो वही आइटम है। ए, गाड़ी जा रही है, उसका पीछा कर। रहना यार, तू नहीं बोलेगा तो भी जाऊंगा। और कितनी देर तक संभालता रहूं मैं इन्हें? अरे रे, कहां चले गए तीनों? ओहो हो, ये तो पीछे ही आ रहे हैं। बेसिकली एक टावर की रेंज ऐसी जगहों पर ज्यादा होती है। हाँ सर, रेंज ज्यादा है। दामिनी, अगर डिटेल में देखा जाए तो फिर क्या कर रही हो? जल्दी कर, नाटक कर, शुरू हो जा।
बॉडी पेन है सर, स्टमक पेन है सर, इसलिए तो सर। ये लड़का तो इनके साथ नहीं आया था सर। हाँ? हमारे ऑफिस में पुलिस इंक्वायरी हुई थी, हमारे नेटवर्क को इसने ही ट्रैप किया था, बुलाकर वार्निंग दे देते हैं। ये कौन है? ये मेरा असिस्टेंट है सर। ठीक है, लैब कहाँ पर है? ये है ना सर, ये तो वाटर रूम है, लैब कहाँ पर है? सर यही लैब है। और प्रोजेक्ट का क्या हुआ? प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर। हाँ? मेरे असिस्टेंट ने आधा काम खत्म ही कर दिया। हाँ? टीआरएक्स में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है सर, उसे वहाँ से टावर पे लाके यहाँ लगाया है, मतलब लगा दिया है सर। सर ये सब पूरी तरह से इलीगल काम कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना परमिशन के बेस स्टेशन खोलकर काम कर रहे हैं। माइक्रो टावर में खराबी थी। वो हम साक्षी दीदी के लैंडलाइन नंबर को बीएससी से कनेक्ट कर देंगे सर। ये साक्षी दीदी कौन है भाई? सर उससे आपको क्या मतलब है? प्रोजेक्ट के बारे में पूछिए ना। लैंडलाइन के जरिए कैसे कनेक्ट होगा? करेक्ट सर। सुनो भाई, वो लैंडलाइन के जरिए बीएससी से कैसे कनेक्ट किया? लैंडलाइन सेलफोन बीएससी, वो मेरा असिस्टेंट बताएगा। वो भी बहुत इजी है, बीएसएनएल की वेबसाइट ओपन करके एयरटेल की वेबसाइट हैक करके आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क बिना सिक्योरिटी के है। ये क्या बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ये अच्छा आदमी नहीं है, वो कंपनी के नेटवर्क के साथ साथ हमारा भी नेटवर्क शेयरिंग कर रहा है, हमारी कंपनी का नाम खराब ना हो जाए सर, इसे रोकिए सर। Let's just wait and see for a while. अरे क्या कर रहे हो, कुछ तो करो। सर वो असिस्टेंट चेक करके देखा था, 1000 मेगावाट काम नहीं कर रहा है, लगता है 1,00,000 मेगावाट करेगा। पहले थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, अब तो वो भी नहीं आ रहा। अरे जल्दी कुछ करो, हो जाएगा सर। बात करने से काम नहीं चलेगा, जल्दी हो जाएगा सर। फ्रीक्वेंसी मोड बदल कर, वो मोड नहीं मोड होता है, डब्बे में उंगली करके सही कर देंगे सर। बच्चे आप परेशान ना होइए। हेलो क्या कर रही हो? हटो। ए, कब ये फोन चालू होगा, कब ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा? क्रेन को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेटर को बोलो, जल्दी से उसे इन्फॉर्म करो। क्रेन का डायरेक्शन बदल रहा है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फोर्थ फ्लोर से कम्युनिकेट कर रहे हैं सर। उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो? हेलो, एक साइड टिल्ट हो रही है, मुझे यहाँ से निकालिए। हेलो प्लीज। ये बोल्ट तो ऊपर से गिरा है, किसी और को कॉल करके देखो। ये बोल्ट ऊपर से गिरा है भैया, भैया वो नहीं काम नहीं कर रहा है। अरे वहीं चलकर देखते हैं, ऐसे भी करके खबर पहुंचाओ। हाँ, चलो ऊपर जाना है भैया। ऑपरेटर बोल रहा है कि पत्थर गिरेगा तो भूकंप आ जाएगा, और यहाँ फोन में नेटवर्क नहीं है, कैसे मैसेज पहुँचाया जाए? नेटवर्क होता तो काम हो जाता, कहीं जाम हो गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। परमिशन के लिए वेट क्यों कर रहे हो? नीचे जाकर ट्रेन का ट्रैक बदलने के लिए बोलो। सॉरी। अरे सुन, अरे बैंक की छुट्टी है, यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ हो सकती है? कहीं किसी और के साथ ये चली तो नहीं गई ना? भाई मुझे लगता है कि उसने लास्ट मैसेज भेजा था आपको, वो मैसेज है कि नहीं देख लो, उस मैसेज को सेव कर लेना, कभी कभी उस मैसेज को ही देख लेना। हमारे मजदूरों की लड़की से ज्यादा सुंदर थोड़े ना, उसके तो होंठ भी निकले हुए आगे की तरफ। अब लेवल में रह के बात कर, कम से कम मैसेज आता तो पता तो लगता कि कहाँ है, वो भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं। मेरा ये फोन काम नहीं कर रहा है, जरा देखना तो। किसी का फोन काम नहीं कर रहा है, रुकिए अभी। ए मोबाइल काम ही नहीं कर रहा है। अरे बैटरी चार्ज नहीं होगी। कौन है ये? सर ये चिपका पड़ा है। सर मैंने सुना कुछ कॉलेज के स्टूडेंट लैंडलाइन के जरिए मोबाइल फोन चालू करने वाले हैं। इसका मतलब चैनलों में भी खबर फैल गई है, जो सुना बिल्कुल सही है, मेरी गाइडेंस में ही ये सब काम कर रहे हैं। लैंडलाइन के थ्रू टावर से मोबाइल को नेटवर्क देने का ही हमने सोचा है, और ये हमारा मोटिव है। इंटरव्यू दे रहे हो? हाँ।
कैमरा ऑन नहीं, माइक ऑन नहीं, जंगल से आए हो क्या? सर मेरी नीचे चाय की दुकान है, मस्त चाय पिलाऊंगा। मैं भी टीवी पर आऊंगा। ये नकुल बहुत होशियार लड़का है। नकुल कौन है? वही जो वहाँ काम कर रहा है। फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? फिल्म की नहीं है, कोई सीरियल की शूटिंग लगती है। आप लोग कवर करते रहिए, मैं बस दो मिनट में आया। ए प्रवीण सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा काम असिस्टेंट ही करेगा क्या? जब तुम कुछ करोगे तभी तो कॉलेज का नाम होगा, समझते नहीं हो? टीवी कवरेज हो रहा है, जल्दी करो, जाओ। ओके, जाओ ना। ए क्या कह रहा था बुड्ढा? हमें काम करने को बोल रहा है, नकुल को काम करने से मना कर रहा है। काम करने वाला ये एक ही है, उसे भी मना कर दिया, छोड़कर भाग चलते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है। बिजली तुम इस बॉक्स में पॉजिटिव नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दो। पॉजिटिव दामिनी, इस डिश को तुम ऐसा फिक्स करो कि ये टावर के सामने दिखे। टीवी पे आने वाली फ्रिक्वेंसी फोन वाला टावर रिसीव करेगा। लवण्या तुम नीचे जाके एक स्पेक्ट्रा माइलेजम लेके आओ। क्या क्या? स्पेक्ट्रा माइलेजम बोलना। जब हमारे कॉलेज के लड़के सर बहुत मेहनती है, देखिएगा कुछ कर दिखाएंगे ये। मैं क्या करूँ भाई? तुम यहाँ खड़े रहो, छाँव आएगी, धूप लग रही है ना। आंटी बोलो बेटी। आंटी वो नकुल ने स्पेक्ट्रम एनालाइजर मंगवाया है। अब किस लिए चाहिए? जरा टेस्ट करना है। टेस्ट करना है, इसे पकड़ो तो। ओके थैंक्स आंटी। कहाँ जा रही है? ऊपर पानी का बर्तन लेकर। इससे पहले कभी स्पेक्ट्रा एनालाइजर देखा है? ये लेकर गई तो ये पानी तेरे सर पर डालकर तेरा सर फोड़ देगा। रुक मैं देती हूँ। कॉलेज के लैब में एक ऐसा ही रखा था ना। अरे बाप रे, ये लो स्पेक्ट्रा एनालाइजर, सही से पकड़ो। ये जो सेकंड स्विच है वो ही सही से सिग्नल दिखाता है। ये थोड़ा सा लूज है, 200 मेगाहर्ट्ज है, उसे बोल देना। कौन सा स्विच लूज है? सेकंड स्विच। हाँ, तुमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? ईसीई से पढ़ा है। जाओ जाओ ले जाओ जाओ। ईसीई से ये लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो होते हैं। आंटी एक बात बताइए, आपको ये सब कैसे पता? अन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद IIT की थी मैंने। 5 तक पढ़ी नहीं हूँ मैं। नकुल बार बार 500,000 मांगता रहता था, क्यों चाहिए ये पूछती रहती थी, तो ये सब बातें बताता था तो मैं भी सीख गई। जाओ जाओ। ए, क्या कर रही हो? घुमा रही हूँ इसे। ये भी करना नहीं आता, जाओ तुम। हे गुस्सा मत हो, यहाँ आओ। देखो ये एंगल है। हाँ एयरटेल का नेटवर्क यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब टीवी का सिग्नल सेलफोन के सिग्नल में बदल जाएगा। वो डिश में घुमा दो। वो बाद में देखेंगे ना। आगे आकर बैठो ना। अरे समझा करो, कोई देख लेगा तो। आप डर क्यों रही हो? कोई देखे तो बोल देना, आप मेरी कस्टमर को पिक करने आया हूँ। हाँ? अरे देश में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कस्टमर पिकअप। इस शब्द को लोग बहुत गलत समझते हैं। स्टोन की पोजीशन बदल रही है, राइट साइड से झुक रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा। सर ऑपरेटर कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तीन तरफ से बैलेंस बनाकर कंट्रोल करना मुश्किल है। सर सिर्फ 8 मिनट तक के लिए ही होल्ड कर सकते हैं। शाफ्ट में ग्रिप है क्या? शाफ्ट में ग्रिप है क्या? मूविंग शाफ्ट खुल गए हैं सर। सर आइए मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ा पत्थर है, इसे दो एंगल से उठा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी हाईएस्ट फोर्स। जाओ तुम और तुम्हारी ग्रेविटी, बढ़ाया ग्रेविटी वाला। पढ़े लिखे लोगों की सुनता कौन है, मुझे पहले पता था इस पत्थर से दिक्कत आने वाली है। सुनो तुम ऊपर जाओ, मैकेनिक से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं बार बार डिस्टेंस देखता रहूंगा।
लाइन नहीं मिल रही है क्या? ऐसे ही होता है, पास में रहते हुए भी नॉट रीचेबल दिखाता है। तुम्हारे यहाँ पर कैसे होता है? बस स्टैंड है। हाँ, बड़ा बस स्टैंड है। बस स्टैंड पर क्यों गया? शिट, सिग्नल नहीं मिल रहा है। शिट, बस स्टैंड क्राउड मिस हो गया। जब तक सिग्नल नहीं मिलता पीछा करो, सिग्नल आते ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। क्या? अरे तुम भी ना, ये क्या है, बात बात में उंगली करते रहते हो। वो लड़की कौन है? वो लड़की उसकी होने वाली वाइफ है और मैं किप हूँ। थोड़ी देर बात करते ना, एसी चलाता। हाँ। ये तो एसी में हाथ थप रही है। गर्मी से राहत मिली, देखो ठंडा हो गया ना। ये पागलों की तरह क्यों कर रहे हो? कुमार होता तो ऐसे नहीं करता। ये कुमार कौन? मेरे साथ काम करता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तुम उसे टच करके बात करती हो? चीची, सिर्फ बातें करते हैं। टच करके बात करना गलत तो नहीं है ना? लिमिट में रह के बात करें तो कुछ गलत नहीं है। तुम अपनी लिमिट बताओ तो टच करके ही बात करता हूँ। पसंद आया तो अनलिमिटेड है। ये तो बिल्कुल खुलकर बात कर रही है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने पता है क्या किया? अपनी फ्रेंड को ले जाकर ऐसे किस कर लिया। मेरी भी एक फ्रेंड है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर ऐसे किस करती है। पब्लिक में ऐसा कैसे कर सकते हैं? सही कहा तुमने। हाँ, मेरा एक दूसरा फ्रेंड है। हाँ। वो उसे होटल में ले जाकर के। समझ रही हूँ, कहीं वो सेलफोन वाला आ गया तो। उसका फिर से फोन आया था। कब आया था? मैंने सोचा ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगी, सिर्फ मैंने 42 मिनट तक बात की, बस 42 मिनट्स बात की। चलो चलते हैं। ए, क्या हुआ? वो रेड कलर की गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, कहीं और जाकर बात करते हैं। कहीं तुम्हारे पिताजी ने तो इनको नहीं भेजा? तुम्हारे पिताजी के पास यही काम है क्या? गाड़ी का पीछा करते रहे, कहीं मिस ना हो जाए। पीछा ही कर रहा हूँ ना, कान खाते रहते हो। क्रॉस कर रहा है, बस आ गई, जल्दी चल, लेट मत कर, जल्दी चल। ऑटो को जाने को बोल। चल ले, आगे बढ़। आज शाम तक प्लान एग्जीक्यूट करना है, उधर चल। लट ले। अब वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे तुम्हारा कुमार चला सकता है क्या? कुमार ऐसे नहीं चलाता, लोकेश चलाता है। ये तो एक ही करके नाम खोल रही है। उसी को कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। ध्यान से, कहीं तुम्हारे पापा का नंबर ना लग जाए। अगर लग भी गया, दिस नंबर इज नॉट रीचेबल, ऐसा बोल देती हूँ और वो मान लेते हैं। तभी तुम ऐसे मजे कर रही हो, अपने बाप को भी बेवकूफ बना रखा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, उतरते समय तक पता नहीं कितने लड़कों का नाम गिनाएगी। अरे शायद कहीं वो मुझे तो नहीं ढूंढ रही होगी ना। उसके इतने खराब दिन नहीं है। हाँ शायद ऐसा होता तो तेरी जगह वो बैठी होती। भाई कहीं बस में तो नहीं है? बस के अंदर? नहीं नहीं, वो बस में तो नहीं होगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बीएससी से कनेक्ट हो जाएगा। इस लड़के ने ही बाकी स्टूडेंट्स को गाइड किया होगा। दामिनी बहुत शार्प है, छोटी सी भी गलती पकड़ लेती है। पावर फैक्चुलेट हो रहा है। हे लावण्या, देख फ्रीक्वेंसी आ गई क्या? पावर फैक्चुलेट हो रहा है, मीटर का लेवल कट हो रहा है। शिट, पावर कट हो गई। दूसरी लाइन में लगा कर देखो ना। नहीं, तीनों फेज चले गए। पावर फेलियर होने पर फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। हमें लाइट आने का वेट करना होगा। क्या बताऊं, 10 मिनट तक लाइट नहीं आई तो बीएससी से कंट्रोल करके फ्रीक्वेंसी बदल नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? दोबारा ये प्रोजेक्ट करना मुश्किल है। क्या कर रहे हो?
फिर सब बेकार हो जाएगा। गीता दीदी, हाँ? आपके पास चार मीटर तार का टुकड़ा होगा क्या? हाँ होगा, देख लो नकुल। हाँ? मेरे पति नाइट ड्यूटी करके आए हैं, तुम ही ढूंढ के ले लेना, उन्हें जगाना नहीं। ठीक है दीदी। लगता है पति से झगड़ा करने के बाद प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है रे। सुना है अगले बच्चे की तैयारी चल रही है। हाँ। घर के पास से गुजरने पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बेशरम कहीं का। ब्रदर, उनका घर कौन सा है? ए, सुनो, देखा कितनी रोमांटिक बातें करता है। उसने तुझसे नहीं की है, उसने आंटी से रोमांटिक बातें की है, वो भी दूसरे बच्चे की बातें। ये क्या कर रहा है? पावर कट है ना सर, शायद इन्वर्टर से जुड़ेगा। इन्वर्टर? इन्वर्टर का बैकअप कम पड़ेगा क्या रे नकुल, फिर शुरू हो गया। कुछ करता ही रहता है, ये क्या कर रहा है वहाँ? पावर कट हुआ है ना सर, इसलिए सोलर बाइक से कनेक्शन ले रहा है। सोलर बाइक से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन उससे कैसे होगा? चलो उसकी मदद करते हैं, हमने बनाई थी। अच्छा, सर। जब तुम लोगों ने बनाया है तो उसे घर में छुपा कर क्यों रखा है, यहाँ पर क्यों नहीं लाए? अरे बाहर लेकर आओगे तभी तो हमारे कॉलेज का नाम होगा। कैसे स्टूडेंट हो तुम सब। ये बड़ा टास्क है सर। सर शायद हो सकता है आपकी कंपनी का एक्सेस कोड चाहिए। हमारी कंपनी का एक्सेस कोड? हाँ सर। एक्सेस कोड नहीं दे सकते, सिर्फ चुने हुए कंपनी के कुछ स्टाफ को यूज करने की परमिशन है, हर किसी को नहीं दे सकते हम। ओके। अच्छा हुआ सर, मुझे लगा आप कोड दे देंगे। पर वो हमारे एक्सेस कोड से क्या करेगा? सर, हमारे एक्सेस कोड को तोड़कर अंदर चला गया सर। सिग्नल नहीं आ रहा है। ये अभी धीरे धीरे टीवी सिग्नल में रिसीव हो रहा है। नगर में जो टावर है उसे कोई इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अब सबके सेलफोन में सिग्नल बदल जाएगा। फोन काम करेगा ना? बिल्कुल करेगा। लैंडलाइन, बीएससी, ये टावर हमारे कंट्रोल में है। ये छोटा टावर बड़े टावर को एक्टिवेट कर रहा है। उसी टावर पर सिक्योरिटी अनलॉक दिखा रहा है। अरे कब तक होगा ये? बस थोड़ा टाइम और सर। पता नहीं क्यों प्रोसेस में प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ पूछो तो अपनी भाषा में ही बोलेंगे। TME बॉक्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यहाँ खड़े होकर आसमान में क्या देख रहे हैं सब? अरे प्रवीण क्या हुआ बताओगे? लावण्या क्या हुआ? बिजली क्या हुआ बताओ मुझे। अरे प्रवीण बोलो ना क्या हुआ। हाथ हटा ना। सॉरी सर, कुछ प्रॉब्लम है सर। इस टावर में प्रॉब्लम है, ये स्पेक्ट्रामलिज्म में शो कर रहा है। अब ये क्या करने जा रहा है? सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। आज तो नंबर लग ही नहीं रहा है। बच्चे लोग जूस ले लो। आओ आओ आओ। थैंक्स आंटी। थैंक यू। ले लो ले लो, तुम भी ले लो। बिना परमिशन के यह करना गलत है सर, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो। मैडम, प्रिंसिपल को दिए बिना जा रही हैं आप? है प्रिंसिपल? अरे मैं हूँ ना। अरे तुमने जैसे कहा था वैसे ही दिख रहे हैं। कैसा कहा था इसने? आप मर चुके हैं। लीजिए लीजिए लीजिए। यहाँ तो कैमरे से शूटिंग चल रही है। ये लेंस वाइड है या क्लोज है? क्लोज है। कौन सा कैमरा है? एवी। नए मॉडल में चिप की स्टोर कैपेसिटी तो कम है। जापानीज कंपनी जो चिप बना रही है उसकी स्टोरेज तो इससे ज्यादा है। लावण्या जरा यहाँ ना। देखो बेटी,
अगर लाइट चली गई है तो इन्वर्टर से काम चला लो। सोलर बाइक को बीच में लाकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? अगर नहीं पता है तो मुझसे पूछना चाहिए ना। अभी जाओ यहाँ से। हेलो डेड बॉडी, मान ही लिया क्या? हाँ, ये इन्वर्टर 600 वोल्ट देती है। हाँ। सोलार बाइक 250 वोल्ट एक्स्ट्रा देती है। जिस बात की जानकारी ना हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। मारेंगे क्या? ना ना सर, ग्लास लेने आई हूँ। थैंक यू। लाइए सर। अरे तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? नीचे आओ। ए नकुल, ऊपर क्या कर रहा है तू? इनलाइन टूट गई है माँ। ठीक है, संभल कर बैठना। इसीलिए मरे हुए लोगों को दफनाते हैं, ऐसे घूमना ठीक बात नहीं है। ग्लास रखो। जूस में शक्कर थोड़ी कम थी ना सर? अरे सही थी। निकम्मा है तू साला, एक गाड़ी का पीछा नहीं कर सका। चुप रहना, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ना। बकवास करता है। तूने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, बेवकूफ कहीं का। ए ये क्या है? सुन ले, ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है मुझे, ज्यादा मत बोलना। तेरी तो मैं सेठ की बात मानकर तुझे इतना घुमा रहा हूँ। मेरे एरिया में मुझे ही धमका रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ लेना। वो गाड़ी लेके किधर चला गया कुछ पता नहीं। मेरी बुद्धि खराब थी जो सेठ की बात में आ गया। पॉकेट मारता था, मोबाइल चोरी करता था, चैन चोरी करता था, मस्त रहता था, पता नहीं कहाँ आकर फंस गया। सुबह से बकवास किए जा रहा है। गाड़ी को ढूंढ। चुप रह, मेरा दिमाग मत खराब कर। बकवास किए जा रहा है, ज्यादा बोलेगा ना तो यही छोड़ दूंगा, समझ गया? अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फालतू की बातें मत कर। चल नीचे उतर। सोच, गाड़ी को ढूंढने का रास्ता सोच। मुझे रोककर दिखा। तुम निकल बाहर। गाड़ी को मिस कर दिया और मुझे सुना रहा है। तो जान से बच जाएगा। रोको। सही है, हिंदुस्तानी को मारते रहो और लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। रुक, अरे उसे कोई पकड़ो, वो आतंकवादी है, बम ब्लास्ट करने जा रहा है। पकड़िए उसे, कोई सिग्नल आने पर बम ब्लास्ट कर देगा। अच्छा हुआ जो ये प्रोजेक्ट हमने नहीं किया। इस टावर में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, रिस्क है। ऊपर देखते हुए तुम ऊपर मत चले जाना। नहीं कर रहा है। अब करेगा। ब्रदर, कॉल कनेक्ट हो रही है। सिग्नल आने लगा। ए नकुल, सिग्नल आ रहा है।
आ रहा है, देख मेरा सिग्नल भी आ गया। सिग्नल आ रहे हैं। तूने कहा था मेरे साथ रहेगा और मुझे ही गाड़ी से उतार दिया। हराम साला, कॉल टैक्सी मिस कर दी। बॉम्ब का क्या हुआ होगा? पैसे लिए थे, जवाब क्या देंगे? गाड़ी कौन से एरिया में गई थी पहले उसका पता बताओ। बोलो। तो मुझे पता होता तो तेरे पास क्यों आता? ठीक है, ड्राइवर को फोन करता हूँ। जब फोन ही नहीं लग रहा तो उससे कैसे बात करेगा? उस कॉल टैक्सी को ढूंढ के निकाल, चल मेरे साथ। अरे नकुल, सिग्नल तो आ गया है लेकिन कॉल क्यों नहीं जा रही? कॉल जाएगी, अभी केवल एक ही टावर काम कर रहा है। एक टावर में एक समय पर केवल 56 कॉल ही उठते हैं। अभी हजारों लोग ट्राई कर रहे होंगे, पहले जिन 56 लोगों ने कॉल की होगी उनके कॉल कनेक्ट होंगे। उसके बाद कॉल कट होने पर एक के बाद एक कॉल रिसीव होते जाएंगे। वेट करिए, कॉल आएगी भी और जाएगी भी। ए, सिग्नल आ गया। हाँ, मेरे में भी। केशव, हाँ तुम्हारा फोन बज रहा है यार। हेलो। अगर ये प्लान मिस हुआ ना तो जान से मार दूंगा। प्लान मिस हुआ तो मुझे जान से मार देगा? अब उसका फोन ही नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँ इस पे? ट्राई करता रहे, मिलने तक ट्राई कर। अरे नेटवर्क ही नहीं है तो कैसे लगेगा? वापस चलो, दुकान पे जाना है, एक घंटे की परमिशन ली थी। है? इतनी जल्दी? अभी तक तो सिर्फ कार ही चला रहा था। एक जगह रोक कर मैं पीछे सीट पर आता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ, मुझे पता है तुम पीछे आके क्या करने वाले हो। क्या करूँगा? सतीश ने क्या किया था? तेरी तो। हाँ? शांत बैठी रहो, पीछे नहीं आऊंगा। मैं ऑटो से चली जाऊंगी, डेविड इसी एरिया में ऑटो चलाता है। ए, अटेंडेंस की तरह नाम बोले जा रही हो, मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारी लड़कियाँ दोस्त नहीं है क्या? अरे यार, उनसे मेरी बिल्कुल नहीं जमती है। सिग्नल तो है पर कॉल नहीं जा रहा है। मैसेज की आवाज है? अरे फोन काम कर रहा है। ये देख, माधवी को डियर बोलने के बाद उसका रिप्लाई आ गया, एट योर साइट। कमाल है, इतना लेट मैसेज किया इसने। हाय, चलिए यार वहां चलकर देखते तो हैं। पिछली बार भी कहा था मैंने उसे, लेकिन कहां? मिस्त्री, वो लड़की आई थी क्या जो उस दिन मुझ पर चिल्ला रही थी ना? हां, मेरी जेब में है, लेकिन मेरी पगार कहां है? दूंगा दूंगा, सबको दे दूंगा। ये वास्तु शास्त्र के पत्थर को घर बताकर भेज देगा, और ये उसके साथ चपनी की तरह चिपका रहता है। नहीं, वापस तो नहीं चली गई वो? हाँ? मतलब भाभी जी लौट गई होंगी। इसी साइड पर वो आती है, हम टाइम पर नहीं आए तो गुस्से में चली गई होगी। यार काम पर ध्यान देने से प्यार मिस हो जाता है। क्या हुआ? ट्रेन जाम होने की वजह से पत्थर को खोल रहे हैं। अच्छा, अप्रूवल मिल गया है, पत्थर को छोड़ दो। माधवी फोन उठाओ। अरे अरे, फोन तो इधर बज रहा है। अरे माधवी यार, अरे माधवी, क्या हुआ क्या हुआ? पत्थर है नीचे। हेलो, कंट्रोल लूज हो गया है, पत्थर के नीचे क्या कर रहे हो? पूरा लूज हो चुका है वो, पर बोलो उनको हटो वहां से। अरे
आदमी जल्दी उठो। अरे अरे सर निकल जल्दी निकलिए। माधवी क्या हुआ तुम्हें? माधवी उठो जल्दी। माधवी 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 क्या हुआ? सुनो तुम जल्दी से नीचे उतरो। रुको तुम मत जाओ। अरे लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? अरे नीचे गिर गई है। माधवी 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खोलो माधवी। अरे भाई जरा जल्दी चलो ना प्लीज। हॉस्पिटल ले चलो प्लीज जरा जल्दी। अरे भाई जरा फास्ट भगाओ ना प्लीज फास्ट भगाओ। बस दो मिनट में पहुंचने वाले हैं बस। अरे पानी दो ना सिस्टर। ये लीजिए। पापा ने देख लिया मुझे। अब क्या करूं मैं? पापा मुझे नहीं छोड़ने वाले। मैं क्या बोलूंगी उनसे? तुम अपने पिताजी से डरती भी हो? बेचारा तुम्हारा बाप। एक लड़के के साथ घूमते देखो मुझ पे गुस्सा करेंगे। सही कहा, एक लड़के के साथ घूमने पर गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम एक लड़के के साथ घूमती कहाँ हो? माधवी, ए, माधवी। आइए आइए। साइड तो प्लीज। अरे बहन जी जरा साइड हटिए, जगह दीजिए जल्दी। एक्सक्यूज मी, हटिए, साइड दीजिए। सही टाइम पे पहुंचा दिया, नहीं तो उसकी जान चली जाती। सुनो सलीम, कॉल जा रही है। एक मिनट। हाँ बोलिए सेठ। अरे भाई संजीव कहाँ हो तुम? क्या हुआ सर? अरे तुम्हारी कॉल टैक्सी कहाँ है? एक इमरजेंसी केस है, हॉस्पिटल आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल? रक्षिता हॉस्पिटल। ठीक है ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्या हुआ सर? मैं आकर बताता हूँ, बस तुम वहीं रुके रहो। ओके सर। मोबाइल में सिग्नल आया क्या? अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक से बात नहीं हो पा रही है। हाँ। अरे सिग्नल बहुत वीक है। अरे वो देखो तुम्हारी गाड़ी से कुछ लेके भाग रहा है वो। ए, रुक। अरे ये तो मेरा मोबाइल है लेकिन इसमें तो नेटवर्क भी नहीं है। ये क्या सर, ये तो सब टावर पर चढ़ रहा है। आई थिंक ही इज एक्सटेंडिंग द कवरेज। उस टावर को मिलाकर टोटल चार टावर कंट्रोल कर दिया। अब 7 किमी के रेंज में सारे सेलफोन काम करेंगे। आ गया सिग्नल, आ गया सेठ। ए, उस हॉस्पिटल में बहुत लोग होंगे, दबा दो, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ दबा दो जल्दी से। समझ रही हो ना? लगता है बम फटा है।
ये बॉम्ब ब्लास्ट पास होता तो अच्छे से देखता। माधवी अब कैसी हो? तुम फोन भी नहीं उठा सकते। क्या कहा? गधे कहीं के, हाथी, नालायक। तुम भी ना। कल इस दाढ़ी को मैं हटा दूंगा। रहने दो, रहने दो, पहचान ही नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली। मिस्टर नकुल, एमडी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। वेरी गुड। इंटरेस्ट और मोटिवेशन का तुम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो। अगर तुम बोलते हो तो हम ये प्रोजेक्ट अभी खरीद सकते हैं। अभी ये सिर्फ 7 किलोमीटर की रेंज में ही एक्टिवेटेड है। फ्यूचर में 7,000 किलोमीटर तक आपका नाम जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? इस प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख दे रहे हैं, साथ में मंथली 1 लाख सैलरी और कंपनी में जॉब भी। अरे प्रवीण, क्या है ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, लेकिन तुमसे बात करने के बजाय उससे बात कर। सर शांत रहिए, आप अभी नहीं समझे। वो प्रोजेक्ट मैंने नकुल से ही लिया था। उसके लिए 2,500 रूपए दिए थे। क्या ये प्रोजेक्ट तुमने उससे खरीदा था? हाँ सर, पूरा कॉलेज इसी से प्रोजेक्ट खरीदता है। अच्छा? सर मैं ये प्रोजेक्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन 2 शर्तें होंगी। बताइए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा शेयर मुझे चाहिए। और दूसरी? मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या करोगे? इस प्रॉफिट शेयर के अलावा जो कुछ भी मुझे आता है मैं उससे किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक्सीलेंट। मिस्टर नकुल, ये प्रोजेक्ट आप कितने समय से कर रहे हैं? करीब 7 साल से बिना कुछ खाए पिए रातों में जाकर दिन रात काफी रिसर्च किया है मैंने। अच्छा। ऐसा नहीं है, मन में आया कि मोबाइल में सिग्नल ना हो तो फोन चालू कैसे होगा, क्योंकि आजकल लोगों की जिंदगी में सेलफोन कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एक दिन मैं FM सुन रहा था और साथ ही साथ TV भी देख रहा था। मैं तो घर पर फालतू हूँ, घर के लोग ऐसा ही बोलते हैं। मेरे पास तो सिर्फ आइडिया ही था। फुल टेक्निकल सपोर्ट JR इंजीनियर कॉलेज से मिला। हमारे कॉलेज का भी नाम आ गया।